क्लास में हम दोबारा ज़रा क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे और वो क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन है और इसके अंदर लास्ट टाइम हमने काफ़ी स्टडी चीज़ें डिस्कस की थी और उसमें से एक जो एक चीज़ जो है वो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो वही है कि जो हमने क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था अच्छा जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि हमारे पास एक अलग्रथम है जिसका नाम है ब्लेजिंग टेक्स्ट कुछ याद आ रहा है आप लोगों को अगर थोड़ा सा पीछे अगर आप लोगों ने आ, मैं आप लोगों को एक मिनट दे देता हूँ आप लोग प्लीज़ जो है वो आ, एक मिनट लें टाइमर है मेरे पास टाइमर लगा रहा हूँ पूरा एक मिनट है आपके पास आप खोली है हसन इफ्तार सईद और मुतार अहमद मोद मसीद ये सब लोग जो हैं बग़ैर किताब के पढ़ेंगे ऐसे ही होगा भाई नहीं सिर्फ दो मिनट दे रहे खोल रहे हैं ठीक है ले लो ले ठीक है जी तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो हमारे रिव्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं और इन रिव्यूज़ को जो है वो कंप्रेस मोड में है और किस तरीके से हम इनको डाउनलोड करके हम चेक कर सकते हैं कि वो रिव्यूज़ जो है वो क्या है और उनमें कौन कौन से कॉलम्स हैं तो अगर हम इस रिव्यूज़ को डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद जो है वो हमारे पास ये कॉलम्स भी आ जाते हैं और उसमें ये हमारे पास डेटा टाइप मौजूद है इसमें है मार्केट प्लेस कस्टमर की आईडी, रिव्यू आईडी, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट पेरेंट प्रोडक्ट टाइटल प्रोडक्ट कैटेगरी स्टार रेटिंग हेल्पफुल वोट्स टोटल वोट्स वाइन वेरीफाइड परचेज रिव्यू हेडलाइन और रिव्यू बॉडी और रिव्यू डेट अब मुझे आप कोई बता सकता है कि इसके अंदर से कौन सा कॉलम जो है वो हमारे लिए मशीन में इस्तेमाल हो सकते हैं कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा आप बीस लोगों में से सर टोटल वोट्स रेटिंग रेटिंग एक कॉलम हो सकता है एज आउटपुट और क्या हो सकता है इनपुट कौन सा कॉलम हम इस्तेमाल कर सकते हैं वोट्स नहीं 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 आगे देखें थोड़ा रिजेक्टेड वोट से या वोट से क्या करोगे आप कस्टमर आईडी वांस इसका रिव्यू और रिव्यू आईडी स्टार्टिंग आईडी लेंगे रेटिंग लेंगे स्टार रेटिंग रिव्यू तो आईडी है ना रिव्यू आईडी से आप क्या पकड़ सकते हैं आप कस्टमर आईडी से लेंगे ना कस्टमर आईडी जो प्रोडक्ट से इनपुट के लिए प्रोडक्ट आईडी से हम देख सकेंगे प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की क्या रिव्यू है प्रोडक्ट कैटेगरीज हो सकती है प्रोडक्ट टाइटल हो सकता है, है उसके हिसाब से किसी उसकी रेटिंग आ रही है हेल्पफुल वोट्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट टाइटल से मिलके हम अंदाजा ला सकते हैं कि क्या रेटिंग होगी सार रेटिंग अच्छा लेकिन आप इसमें जो मेन चीज है मेन मेन कॉलम कौन सा है इसमें सबसे मेन कॉलम है सब प्रोडक्ट स्टार परी. रेटिंग स्टार रेटिंग और रिव्यू देखें ना गौर करें आप इसमें सोचें कि इसमें कौन सा कॉलम क्या है इसमें से जितनी भी आप कॉलम देख रहे हैं क्या वो तो हमारे किसी काम के आ सकते हाँ रिव्यू हेडलाइन रिव्यू हेडलाइन से भी थोड़ा आगे जाए रिव्यू बॉडी रिव्यू में रिव्यू बॉडी सर में जो हमारा तो रिव्यू है ना वो इसमें होगा ना ये हमारा रिव्यू है तो हमारा जो मेन इनपुट कॉलम है वो ये हो सकता है ना जिसके अंदर रिव्यू पड़ा हुआ है हम प्रोडक्ट आईडी से क्या उठा लेंगे ये रिव्यू, रिव्यू के टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं हाँ तो रिव्यू के जो टेक्स्ट है जो असल रिव्यूज है किसी ने कहा है कि प्रोडक्ट अच्छी है प्रोडक्ट खराब है ठीक है हम प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर बात करते हैं ना भी देखिए जैसे डिजिटल कैमरा जो है इसके अंदर हमें ये रिव्यू दिखा रहा है वो ये देखें ये है ये रिव्यू है और ये उसकी हेडिंग है ठीक है लेकिन अब इसमें और भी और चीजें हैं जैसे कि इसका रिव्यूअर कौन है और उसकी अथेंटिसिटी जो है वो क्या है अथेंटिसिटी का मतलब है कि वाकई वो बायर भी है उसने ऐसी कर दिया ठीक है तो ये वाली चीजें इसमें मौजूद है दो चीजें जो हमारे काम की थी वो हमने इसमें देख ली ठीक है जी बात समझ में आ गई आप लोगों को नहीं समझ में आई हम इस रिव्यू को प्रोसेस करने जा रहे हैं ठीक है थीके? ये जो अमेजोन का है इस प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट है वो और ये रेटिंग है ये सारा data, ये सारा सारा जो है हमारे पास एक टेक्स्ट फ़ाइल में मौजूद है सा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम रिव्यू से किस तरीके से हम उसकी रेटिंग को निकालेंगे क्योंकि रेटिंग का तो ऑप्शन होता है ना अच्छा तो मैं यही कहा कि हम ठीक है रेटिंग दी हुई है मैं कह रहा हूं, उसमें रेटिंग जो है वो दी हुई है अगर आप इसमें दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए मैं कहता आप लोग सवाल पूछेंगे तो आपको पता लगेगा मैं कह रहा हूँ रेटिंग जो है वो इसमें दी हुई है ठीक है और रिव्यू भी दिया हुआ है अगर मैं इसके अंदर इस रिव्यू के ऊपर देख रहा हूँ तो ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर ये जो जब भी आप कोई बंदा रिव्यू देने जाता है तो वो रिव्यू के साथ साथ रेटिंग भी देता है तो रेटिंग इस रिव्यू के अंदर एक पार्ट है लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि ये एक रिव्यू है आप इसकी हमें मशीन लर्निंग करनी है तो हम कैसे करेंगे तो ये रिव्यू की हेडलाइन थी रिव्यू की बॉडी थी और उसके अलावा इसमें और भी चीजें स्टार रेटिंग जो है वो इसमें मौजूद है ठीक है अब हम इसको आगे चल के देखते हैं देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है सही है तो इस वक्त जो हम ये कर रहे हैं हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर किसी का रिव्यू जो है और स्टार रेटिंग में क्या मैच है मिसाल के तौर पर ये इस बंदे ने रिव्यू किया है ठीक है और ये रेटिंग की है वन की है ठीक है इसने तीन की है तो हम इसको देख रहे हैं आइंदा जब भी हमारे पास कोई रिव्यू आएगा हम उस रिव्यू से उसकी स्टार रेटिंग जो है वो खुद ब खुद पता कर लेंगे तो इसके अंदर रिव्यू बॉडी हमारा कॉलम है इनपुट और स्टार रेटिंग जो है वो हमारा आउटपुट कॉलम है ठीक है बाकी चीजें इसमें से हमने उड़ा दी हैं ये देख लेंगे यहां पर गायब है यहां तक तो कोई सवाल सर एक सवाल है सर रिव्यू बॉडी को क्यों वो कर रहे हैं अ, अगर आप स्टार रेटिंग को फर्स्ट कंसीडर करें देन रिव्यू को कंसीडर करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा नहीं करना क्या हमें दोनों को ही है ना ओके सर ट्रेनिंग में तो हम यही देखेंगे कि रिव्यू में बॉडी में लिखा हुआ क्या है और उसके अगेंस्ट रेटिंग क्या है और फिर उसकी मदद से हम इसका मतलब है रिव्यू रिव्यू जो है वो हमारा

अगर आपके पास एक रिव्यू है तो आप उस रिव्यू को रेट कर सकते हैं कि उस रिव्यू की जो रेटिंग है वो क्या है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है वन खराब तरीन है और फाइव बेहतरीन है ये काम जो है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसको हम कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब है अगर किसी ने फाइव रेटिंग की है तो इसका मतलब है सेंटीमेंट हैप्पी है और अगर वन की है तो सेंटीमेंट बेड बैड है ठीक है सेंटिमेंट एनालिसिस दो लेवल का होता है नेगेटिव पॉजिटिव या या रेटिंग बेस तो यहाँ पर अगर हम एक देखें तो हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ये है कि हमने अपने एक रिव्यू लिया और उस रिव्यू को हम एनालाइज कर रहे हैं कि असल में वो रिव्यू अच्छा है बहुत अच्छा थोड़ा अच्छा है थोड़ा ज्यादा अच्छा है या काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यह बहुत अच्छा है ठीक है अगर किसी को फाइव स्टार मिल गया है तो इसका मतलब है कि रिव्यू देने वाला बहुत हैप्पी है तो हमें इससे उसके सेंटिमेंट की एनालिसिस हो रही है ये बात समझ में आई है आप लोगों को जी सर जी सर ठीक है जी सर यानी सेंटीमेंट ये होता है कि आप सारा ये चीज पता करना चाहते हैं कि सेंटीमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है ठीक है अच्छा तो अगर किसी का रिव्यू का स्टार वन हो तो हम क्या समझेंगे क्या वो रिव्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है नेगेटिव सर नेगेटिव है तो हम ये अंदाजा लगा लेते ले हैं तो इसके अंदर हमने एक बाइनरी सेंटीमेंट्स की जगह एक मल्टी क्लास सेंटिमेंट्स को इंप्लीमेंट किया है और हम ये जूम कर रहे हैं कि भाई शुरू के दो जो है उसका मतलब है नेगेटिव और बाद के जो एक बीच का जो है वो एवरेज है और बाद के दो जो है वो पॉजिटिव है तो इस तरह हमने खुद अपनी समझ के लिए ये कर लिया है और इसके लिए हमने यहाँ पर चेंजेस भी कर दिए हैं यानी कि बेस्ड ऑन द स्टार रेटिंग वी एट अ न्यू कॉलम लेबल विद द लेबल प्रॉपर फॉर्मेट और इसके लिए हमने क्या क्या है देखे अगर एक रेटिंग है दो है तो ये नेगेटिव है और चार पांच है तो पॉजिटिव है और थ्री है तो न्यूट्रल ये हमने खुद डिसीजन ले लिया और उसमें से फिर हमने स्टार रेटिंग उड़ा दी ये वाली कमांड अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते ठीक है फिर हमारे पास हमें पता लगा कि भाई हमारा पहला कॉलम लेबल का होना चाहिए तो हमने इस तरह लिख दिया तो अब हमारा पहला कॉलम लेबल का है और दूसरा कॉलम पहला कॉलम लेबल है और दूसरा रिव्यू बॉडी है उसकी वजह यह है जैसे हमको पता ही है ये आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि जो हमारे जो अमेजोन सेज में करके जो क्लासीफायर होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आउटपुट कॉलम जो है वो पहला होना चाहिए बजाय उसको अलग से आउटपुट कॉलम दे आप उसको पहले कॉलम में डाल दें तो वो इस हमेशा पहला कॉलम उठा लेगा और बाकी कॉलम एज आउटपुट इस्तेमाल कर लेगा उसके बाद जो है ये हमारा एनएलटी के इस्तेमाल कर रहे हैं एन एल टी के जरिए हम क्या कर रहे हैं कि रिव्यू को टोकनइज कर रहे हैं हमें टोकनाइज टाइजेशन चाहिए किस चाहिए हमें टोकनाइजेशन चाहिए स्पेस वाइज यानी कि जो हमारा रिव्यू है वो प्रॉपरली हर रिव्यू जो है वो स्पेस सेपरेटेड होना चाहिए ये हमारे रिव्यू का इनपुट है इसको दोबारा देख लीजिएगा आप लोग अगर हमारा जो वर्ड है वो ये एक वर्ड है इफ द वर्ड्स कॉमा एम परसेंट चीप, चाइनीज ये बला 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 इसको हमने इस कमांड की मदद मतलब से वर्ड टोकनाइज किया टोकनाइज करने से क्या होगा कि वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो एरे ये जो वर्ड है ये पूरे के पूरा सेंटेंस जो है ये एलिमेंट्स पे हो जाएगा इफ जो है वो एक एरे एलिमेंट बन जाएगा द एक एलिमेंट वर्ड्स एलि एलिमेंट और ये सब कुछ बन जाएगा और बनने के बाद जो है हमने दोबारा इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया स्पेस के जरिए अब आप बोलेंगे यार स्पेस तो पहले भी था इसके अंदर इफ दा और वर्ड के दरमियान स्पेस पहले भी था हमने जो है वो दोबारा इसको एलिमेंट में कन्वर्ट करके एरे में तोड़कर दोबारा इसको क्यों किया पहली बात तो ये कि ये आपको पता है ना कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट स्प्लिट कर सकते हैं ना एलिमेंट्स में ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को जी सर अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है मैं खोल लेता हूं मैं अच्छा अब जैसे एक वर्ड है स्टार्ट टेक्स्ट है और लिस्ट है हमारी एलएसटी कर देते हैं इसको मैं कुछ भी लगाऊंगा तो भी स्पेस ही कर लेगा अभी कर रहा है। देखा आपने ये तीन इसने ये ये मैं इसको रहा ये है। इसने स्पेस इस वाइस इसको तोड़ दिया है लेकिन यहाँ पर मैं एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लाइब्रेरी ना सिर्फ स्पेस के हिसाब से तोड़ देती है बल्कि ये मशीन लर्निंग बेस्ड लाइब्रेरी है इसने इसको हमने प्रॉपर लर्निंग करवाई भी है तो ये क्या करती है लाइब्रेरी ये चेक करती है कि अगर किसी वर्ड के बराबर में ये स्पेस है आप जैसे अगर मैं अपनी लाइब्रेरी इसके ऊपर चलाऊंगा तो और और साथ साथ ले ले इस ले लेकिन मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है NLT के हिसाब से जो, जो है वो ट्रेन की गई है तो ये क्या कर रही है कि आप ये देखें इसके अंदर वर्ड और स्पेस के बाद यहाँ पे कॉमा भी अलग कर दिया है कॉमा एम परसेंट हैश और थर्टी फोर इन सबको अलग कर दिया है ये किस वजह से किया है क्योंकि हम जो है हमने जो यहाँ पर आ, डेटा स्प्लिटिंग की है अपनी टोकनाइजेशन की है उसके लिए हमने स्प्लिट का मेथड इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि प्रॉपर एक आ, 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 मशीन लर्निंग सॉरी एन के नाम की, की लाइब्रेरी डाउनलोड की है और उससे जो है वो हमने टोकनाइज कराया है जिसकी वजह से उसने आ, सारे वर्ड को अलग कर दिया है और पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल करेक्टर या नंबर्स को भी अलग कर दिया है ठीक है जनाब अगर कंफ्यूजन तो पूछ लो मैं फिर आगे जा रहा हूं अब हमारे पास डेटा जो है वो स्प्लिट हो गया है उसके बाद जो है हमने उसको वो 90... परसेंट में वही नाइन फाइव और वैलिडेशन में फाइव फाइव परसेंट का जो है ब्रेक ले लिया है और इस तरह का जब हम फाइल को खोलेंगे तो इस तरह डेटा मौजूद है अब इसके अंदर मसला ये कि टोकनाइजेशन के अंदर टाइम लगता है ना टोकनाइजेशन में टाइम लगता है हमारा काफी ज्यादा टाइम लगता है तो मिसाल के तौर पर अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इसमें तो रिव्यूज हमने कम लिए थे दस हजार लिए आपके बीस मिनट इसमें लग जाते

इमेज प्री प्रोसेसिंग का स्टेज मेकर की प्री प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस जो है वो कॉल कर ले और उस प्रोसेस को कॉल करके बाद हम उसको यूज कर लें और जब वो काम हो जाए तो उसको बंद कर दे उसको उसको छोड़ दे याद है, है हमने प्री प्रोसेसिंग जॉब चलाई थी सी से अमेजोन स्टेज मेकर में किस किस को याद आ रहा है <laughs> अच्छा चलो ठीक है याद यादग आ रहा हो तो देखिएगा हम जब चैप्टर टू कर रहे थे तो हमने एक प्री प्रोसेसिंग का एक स्क्रिप्ट बनाया था जो डेटा को स्क्रिप्ट करता है और उस स्क्रिप्ट को हमने एक कंटेनर पे चलाया था वो स्क्रिप्ट जो है वो हमने डेटा उसको दिया था स्क्रिप्ट दिया था कंटेनर बताया था तो उसने वो स्क्रिप्ट उस कंटेनर पर जाके चला दिया था चलने के बाद जब वो स्क्रिप्ट ने काम कर लिया था तो आउटपुट हमें दोबारा सेज में करके पकेट में मिल गया था और वो कंटेनर का अपना काम करके ख़त्म हो गया था अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अब यहाँ पर हमारे पास आ, अब आप देख लें इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहां पर आप देख ले, आपने डेटा सेट जो है वो डेटा सेट के ऊपर अपलोड कर दिया है हमने एक साइकिल जो है वो प्रोसेसर हमने चला दिया है इसको हमने लार्ज वो कर डेटा जो है वो आ, कर दिया है साइकिल लर्न इसमें क्या कर रहा होगा हमारे पास वो प्री प्रोसेसिंग का का स्क्रिप्ट जो था वो हमने चला दिया था ये वो पुरानी बातें आपको याद दिला रहा है कि किस तरीके से हमने साइकिल लर्न का प्री प्रोसेस जो है वो आ, चलाया था वैलिडेशन और डेटा को क्लीन अप और वैलिडेशन की प्री प्रोसेसिंग के लिए तो वो अब हम यहाँ पर भी दोबारा चला सकते हैं ये प्री प्रोसेस है स्क्रिप्ट हम दोबारा यहाँ पर चला रहे हैं ये हमने पहले भी चला लिया था इससे भी हमारा डेटा जो है वो प्री प्रोसेस हो जाएगा अब इसके अंदर जो है वो हमने टेस्ट और उसमें स्प्लिट भी कर दिया है दोबारा फिर इंस्टॉल और ठीक है हाँ अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर आ, कुछ हमें एनएलटी के भी ज़रूरत है तो वो ये कह रहा है कि भाई आप जो क्या करो कि इस स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला प्रोसेस भी डाल दो जो क्या करेगा कि एनएलटी के NLTK आपका स्क्रिप्ट जो है वो खुद ही इंस्टॉल कर लेगा यानी कि इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये बताई है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो क्या करेगा लाइब्रेरी खुद ही इंस्टॉल कर लेगा कंटेनर के अंदर क्योंकि हो सकता है कि साइकिट लर्न तो उसका हिस्सा हो लेकिन ये जो एन एल टीके है वो उसका पार्ट ना हो तो ये उसने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर आप किसी स्क्रिप्ट के अंदर चाहते हैं कि जब वो स्क्रिप्ट चल रहा हो तो वो अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी इंस्टॉल भी कर ले तो आप ये वाला मेथड जो है वो बना सकते हैं सब प्रोसेस डॉट कॉल का इसके अंदर कहा है सिक्स एग्जीक्यूटेबल है डैश एम लगाया आपने और बताया कि पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम बताया अब इसके अंदर इंस्टॉल के नाम से आपने ये डिफाइन फंक्शन बनाया है यहाँ पे हम बोला इंस्टॉल करो एनएल टी के तो क्या करेगा वो इस पैकेज इसका इनपुट वेरिएबल बन जाएगा या एट्रीब्यूट बन जाएगा तो ये बन जाएगा पिप स्टॉल एनएल टी के और एनएल टी के जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा जब ये हो जाएगा हम इसको इम्पोर्ट भी कर लेंगे तो ये हमारी एक कहानी जो है वो यहाँ पर सेटल हो जाएगी उसके बाद जो है इसमें सारी चीजें जो है वो हमने इंस्टॉल की है स्प्लिट रेशो और ये ये डेटा जो है वो हमने स्टार्ट किया है रीड सी किया है हमने कंप्रेशन बता दिया है हमने इसमें ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके थे लेकिन अगर नहीं भी किया है तो इसमें आप देख लें इसमें कोई खास बात नहीं है हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसे सी एस में रीड तो कर रहे हैं लेकिन हमने ये बताया है कि कंप्रेशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है तो वो क्या करेगा पेंडास का रीड सी भी कलगर वो ना सिर्फ डेटा को मेमोरी में लोड करेगा बल्कि उसको अनकम्प्रेस भी कर लेगा अनजिप भी कर लेगा उसके बाद हम स्पेसी जो है हा इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड टू वेक्टर्स के लिए सर तो एक चीज ये पूछनी है कि यहाँ पर ये एडिशनल लाइब्रेरीज वगैरह करें अगर हम ये नम वगैरह के अंदर करने में तो और सिंप्लीफाई नहीं हो जाता ये एल के की जगह नम इस्तेमाल करेंगे आप नहीं नहीं सर ये स्पेसी नहीं देखो ये स्पेसी क्या आ रहा है मैंने तो ये तो देखे ना पहले ये चेक तो करेंगे ये स्पेसी कर क्या रहा है ये वर्ड टू कि आप ये देखें कि स्पेसी का काम क्या है ये ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इससे हम इसकी ग्रामर वगैरह भी निकलवा सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छा तो आप ये देखें फिर कि अगर स्पेसी जो है वो हम यूज कर रहे हैं तो इससे हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर ना सबसे पहले देखो हमने स्पेसी को हमने ये ई एन कोर वेब एस एम के नाम से हमने किया और फिर वेलिडेशन का भी दो हमने चीजें जो है वो चलाई हैं एक स्पेसी डाउनलोड ई एन कोर वेब और वेलिडेट ठीक है और उसके बाद जो है हमने डेटा जो है वो पेंडाज में इंट्रोड किया है और उसके बाद हम इसको टोकनाइज कर रहे हैं पहले हमने जो एनएलटी के से टोकनाइज किया था आ, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इसको स्पेसिक इस से टोकनाइज कर रहे हैं अब मैं ये भूल गया हूं कि हम ये डिफरेंस क्यों कर रहे थे हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि हमने स्पेसी से हमने क्या वो लेना है ठीक है अभी हम देख लेते हैं मुझे लग रहा है कि शायद इसने कहा था कि आप पेनल्टी से भी टेकनाई कर सकते टोकनाइजेशन कर सकते हैं और अब किताब पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ठीक है तो इस पेसी के हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांटेज इसमें वर्ड टोकनाइजर वगैरह भी शामिल है अभी हम देखते हैं आगे जाकर कि इसमें दोनों में आ, ये जो वर्ड टोकनाइजर है ये उसके अंदर हमें आ, क्या स्पेशलाइजेशन जो है वो मिल रही है लेकिन खैर इसमें जो मेन चीज जो समझने की है वो ये है कि हम इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज के मदद मतलब से वर्ड टोकनाइजेशन जो है वो हम कर रहे हैं अभी जो हमने टोकनाइजेशन की है या डेटा प्रिपरेशन की है वो किसके लिए की है अपने ब्लेजिंग टेक्स्ट अलग्रथम के लिए अब यहाँ पर जो है हम टॉपिक मॉडलिंग करने जा रहे हैं एल और एन अब ये टॉपिक मॉडलिंग तो पता है ना जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टॉपिक मॉडलिंग का मतलब है कि हम डिफरेंट ग्रुप बना लेते हैं अपने टॉपिक्स के यानी कि हमारे अभी तक हमने क्या कहा था अभी क्लासिफिकेशन के लिए हमने काम किया था लेकिन अब हम जो है वो आ, ये दो और अलग्रथम के लिए भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं जो कि टॉपिक मॉडलिंग के लिए है टॉपिक मॉडलिंग पिछले वीक के अंदर हमने बड़ा अच्छा सा पढ़ लिया था जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास टॉपिक हैं तो उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं ये अनसुपरवाइज लर्निंग हो रही है इस इज नॉट अ सुपरवाइज लर्निंग ठीक है और इसके लिए हमारे पास क्या है मिलियन न्यूज हेडलाइंस है अब इन हेडलाइंस को हम ग्रुप में बांट देंगे बस अगर किसी को टॉपिक मॉडलिंग के हवाले से कोई बात पूछती है तो पूछ सकता है कि सर ये टॉपिक मॉडलिंग मुझे समझ में नहीं आई मुझे सवाल कर ले अगर कोई कर लेगा ना तो मैं उसका जवाब दे दूंगा तो आपने कहा ये अनसुपरवाइज लर्निंग है यानी उस हवाले से ये हम उस टॉपिक के उसमें हम ले रहे हैं उसको अनसुपरवाइज लर्निंग हम ये क्या करेंगे कि इसमें जो टॉपिक होगा उसको डिवाइड कर लेंगे यानी हमारे सारे टॉपिक हैं हम इसको बताएंगे कि हमारे पास इसको पांच ग्रुपों में डिवाइड कर दो तो वो पांच ग्रुपों में डिवाइड कर देगा ग्रुप किस पेज के ऊपर बनाएगा वो सिमिलरिटी के ऊपर वर्ड की सिमिलरिटी के ऊपर अच्छा सर इसमें ये एक बात है कि फिर हमारा जो होगा 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 वो स्टेटिक हो ना कि डायनेमिक क्योंकि जो डाटा हम उसे प्रोवाइड करेंगे एक दफा वो उसकी टॉपिक मॉडलिंग कर लेगा बट अगर उसको हम मजीद डाटा देते हैं क्या वो पहले डाटा की बुनियाद पर उसको अच्छे तरीके से मॉडल मॉडलिंग उसकी कर सकता है या नहीं कर सकता जब हम दोबारा डेटा देंगे तो वो पिछला वाला डेटा तो भूल चुका है ना जब आपने मिसाल के तौर पर उसको ज्यादा डेटा दिया वो उसकी टॉपिक मॉडल आपने उसको बताया कि मुझे पांच ग्रुप में डाल दो तो वो पांच ग्रुप में डिवाइड कर देगा उनको अलग अलग कर देगा पांच ग्रुप बना देगा ठीक है यानी कि सर हम इसके जरिए ग्रुपिंग कर सकते हैं बट हम इस, इस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते कि हाँ न्यू मॉडलिंग के साथ अपने आप को एफिशिएंट बना ले ये ट्रेनिंग वाला अलग है ये ओके सर ओके सर ये जो है ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है इसके अंदर आप जैसे मिसाल के के तौर क्लास 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 होती है अंदर पचास बच्चे हैं आपने कहा कि इन पचास बच्चों को हमें पांच ग्रुप में बांटना है तो आप कैसे बांटेंगे किस बुनियाद पे बांटेंगे पांच ग्रुप में बांटना है बिल्कुल उनकी हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं सर उसके अलावा जी हम नहीं ग्रेडिंग कर नहीं सकते हमें तो पांच ग्रुपों में बांटना है ना ये आउट ये काम है हमारा अच्छा हम क्या करेंगे सर हम उस उसमें डिवाइड कर, कर सकते हैं और जो है, है वो, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज उनको डिवाइड कर सकते हैं और एज वाइज सर कर सकते हैं उनको या फिर हम जेंडर वाइज कर सकते हैं उनको या फिर हम सब्जेक्ट की बेस पे भी कर सकते हैं सर ठीक है अब अगर फर्ज करो ये अब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होंगी ना जी ठीक है तो ये जो आपका एल एल डी ए और एन टी एम का अलगड़ है इसको आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ डेटा दे रहे हैं वो डेटा को पांच ग्रुपों में डिवाइड कर देगा जी. किस बेस के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं भाई आपके पास पांच या पचास जो है वो समरीज है उन पचास समरीज को पांच ग्रुपों में डिवाइड करना है तो आप किस बुनियाद पे उनको डिवाइड करेंगे उनके पांच ग्रुप किस बुनियाद पे बनाएंगे तो आप स्य टॉपिक्स की बुनियाद पर हर जो जो समरी है उसका बेसिक थीम या टॉपिक क्या है तो ये कैसे पता लगेगा आपको ये तो फिर सर एल्गोरिथम के जरिए पता चलेगा नहीं तो ह्यूमन है ना जी मैंने मैं तो फिर हाँ, हां उसको पढ़ने का और फिर जाकर हमें पता चलेगा कि हम उसको कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे आप क्या गया? करेंगे आप क्या करेंगे इसको तो इसको रीड करेंगे तो रीड किया तो फिर उसके बाद हम टॉपिक्स बनाएंगे आप नहीं समझाइए पाप के बाद 50 हमरीज हैं पचास हमरीज को पांच ग्रुप में डालना है अब आप क्या करेंगे सर सबसे पहली बात उसको देखेंगे हेलो सर उसमें हम ऐसा करेंगे पहले हम अपने जो पांच हमने ग्रुप्स में डालना है उनको डिफाइन कर लेंगे और हर समरी को पढ़ने के बाद जो समरी जिस ग्रुप के अंदर या मॉडल के अंदर फॉल करेगी हम उसके अंदर उसे रख देंगे सर लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये वाली समरी इस ग्रुप में फॉल कर रही है ये तो सर टॉपिक और समरी के कंपैरिजन से ही पता टॉपिक टॉपिक तो आप खुद डिसाइड कर रहे हो ना जी तो तो खुद डिसाइड कर रहे हो किताब तो आपको सिर्फ समरी दी है तो समरी के अंदर ऐसी क्या चीज होगी कि दो समरीज को आप एक ग्रुप में डालोगे <laughs> और उसका कॉमन जो जो उसके अंदर चीजें कॉमन होगा उसकी है कैसे पता लगता है उसके अंदर जो टोकनाइज किया

सर मेरे ख्याल में तो थीम की बुनियाद पर कि उसका बेसिक थीम, थीम मतलब क्या है थीम कैसे पता लगेगी अब मैं आपको एक चीज देता हूँ ना मिसाल के तौर पर ये एक एक समरी है या एक टेक्स्ट है इसकी क्या थीम है चलो आप मुझे ये बता दो <laughs> नो क्लू सर नहीं नो क्लू क्यों मतलब आप कह रहे हो थीम के हिसाब से अब आप ये पढ़ लेना पढ़ के वजह बताएं भाई इसकी ये थीम बन रही है सलामेक सर अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं ये समझाऊँ कि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है इसमें एक तो रिव्यूज है और एक जो है उसकी तो टू अब हमने मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास पांच सैंपल समझी जाए ठीक है ये पांच में कोशिश कर रहा हूँ ये जनरेट ही हो जाए पॉपुलर बुक समरीज थ्री सेंटेंस और लेस ये एक समरी है सही है अब आप बताएं इस समरी को ऐसी आप इसमें इस, इस समरी को अगर किसी दूसरी समरी के साथ मैच करें कि क्या वो इससे मैच कर रही है नहीं कर रही तो कैसे करेंगे क्या चीज मैच करेंगे तो वर्ड्स मैच करेंगे वर्ड्स या वर्ड्स के जो माने हैं अगर فرض करें कॉमन कॉमन कॉन्टेक्स्ट है उससे उससे हम कॉमन वर्ड्स निकाल सकते हैं या थीम निकाल सकते हैं ठीक है कौन आगे चलो तो, तो अगर वो मतलब... काउंट बढ़ जाता है तो हम हम अगर فرض करें अगर उसका काउंट बढ़ जाता है उस नंबर का है, उस वर्ड का तो हम हाँ उसको एक कैटेगरी बना सकते हैं उसकी फिर सही है ठीक है अब जैसे आप आप हमेशा टीचर शायद आप में से कोई भी ना रहा हो या कुछ लोग रहे भी हो लेकिन अगर आप आ, के पास आ, दस लोगों ने सवाल का जवाब दिया है तो आपको कैसे पता लगेगा कि दस लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है सवा, सवाल का जवाब गलत दिया है किस चीज से पता लगता है या दोबारा हम इसी के ऊपर आते हैं इस इस टेक्स्ट के अंदर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे तीन वर्ड में बताओ कि इस इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है तो आप क्या बताओगे तो ये बता रहा है कि जो हेडलाइंस हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और और नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ हेडलाइंस हो सकते हैं भी आपके मेक सेंस मेक सेंस अब आपकी बात जो है वो आ, समझ में आ गई तो so एक्चुअली हम अगर अब मेरा मसला यह है कि मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट टेक्स्ट हैं ठीक है थीके? अब इसको थोड़ा तो तो गौर से समझिएगा मैं इसको एक एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूं आपको लेकिन आपको ये समझना है क्योंकि मैं समझाऊंगा तो फिर आप फौरन ही समझ लेंगे मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट है और अगर मुझे डिफरेंट टेक्स्ट को पांच ग्रुपों में डिवाइड करना है तो किस बुनियाद पे करूंगा देखिये सर बात वही आ जाती है यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं अगर हम लोग लेते हैं एक साइंस की समरीज फिफ्टीन समरीज हम लोग ले लेते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं मुझे आपको सर। नहीं पता आपको आपको जो है ना बहुत सारे समरीज दे दी गई जी ठीक है क्या दे दिया गया आपको समरीज ठीक है अब मैं इसको दोबारा देखता हूँ मेरे धर्म में एक नया आइडिया आया ये आपके पास कितनी है फिफ्टी कि न्यूज के हेडलाइन की जो है शॉर्ट सेंटेंसेस में होते हैं तो अगर उसके ग्रुप बनते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस में तो ये वेरीफाई करेगा कि कौन कौन से शॉर्ट सेंटेंसेस वाले न्यूज की हेडलाइन बन सकती है ऐसा ही है मैं चेक कर रहा हूँ यार मेरे पास वो अगर आ जाए ना अब ये एक ये एक हेडलाइन है ठीक है ये भी एक हेडलाइन है इन तमाम हेडलाइंस की उन्होंने अब मुझे बताओ कि क्या ये हेडलाइन और ये हेडलाइन आपस में मैच करती हैं या नहीं करती दोनों नहीं ये मैच नहीं करेगा कैसे पता लगा आपको तो वर्ड के मीनिंग जो सर एल्गोरिथम पे चेक करेगा वर्ड के मीनिंग को देखेगा सिमिलरिटी होगी तो वो एक ग्रुप में डालेगा अगर डिफरेंट हो गए तो दूसरे ग्रुप में डालेगा जानता हाँ, है ये बिल्कुल सही है अब आप, आप, आप काफी काफी हद तक करीब आ गए तो टेक्निकली फ्रीक्वेंसी हां मसला ये होता है कि जब आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट मौजूद है और उनको आपने डिफरेंट ग्रुपों में डालना है तो आप देखते हैं कि ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जिनके अंदर वर्ड सिमिलर है ठीक है तो आप पांच बना सकते हैं या दस बना सकते हैं जितने आपका दिल चाहे बना ले तो जब हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो कॉमन फीचर के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं ये अनसुपरवाइज लर्निंग है अनसुपरवाइज लर्निंग ये है कि जी आप जो है उसको डेटा दे सकते हैं दे देते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते कि कौन सा डेटा को क्या लेबल देना है आप बोलते हैं भाई ये मेरा डेटा है इसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो पांच हिस्सों में इसको डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन कॉमन फीचर तो जो हमारे पास है उसको फिर आ, हमें खुद से इन, इन परेशान नहीं, नहीं।, नहीं।, तो नहीं, नहीं करो रिलैक्स हो जाओ सबसे पहली चीज ये एक करता है वो ये करता है कि मैं मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट मौजूद है या बहुत सारा डेटा मौजूद है या बहुत सारे नंबर्स मौजूद है या बहुत सारी इमेजेस मौजूद हैं मैं बजाय उसको ये कहने के कि भाई ये पता करोगे कौन सी इमेज किससे मिच करती है मैं कह रहा हूँ या, या, तो ये अनसुपरवाइज ये है ठीक है. है सर अब आप तो 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 उसी डेटा को बोलोगे नहीं यार पांच में मत करो आठ में कर दो वो आठ में कर देगा नहीं आठ में नहीं करो चार में कर दो वो चार में कर देगा लेकिन वो डिवाइड कर रहा होता है बेस्ड ऑन द बेसिक फीचर्स जो उसके दरमियान में चौबीस भी, भी हो सकते हैं वो वो टेक्स्ट भी भी हो हो सकता है इमेजेस हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये सोचना है कि अगर आप उस प्रोग्राम की जगह होते तो आप किस बुनियाद के ऊपर चीजों को डिवाइड करते पांच ग्रुपों में मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक स्पोर्ट्स टीचर है और आपको कहा गया कि भाई स्टूडेंट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दो तो और तो और आप उनकी फिजिकल किन चीजों के ऊपर आप उनको तीन ग्रुप में डिवाइड करेंगे जहरी बात है सर उनके डिसीजन मेकिंग आ सकती है वो ये सॉरी ये तो सॉफ्ट स्किल आ गई उनकी रनिंग भी आ सकती है वो थीके? कितना है, उसका फिजिकल डिफेंस मजबूत है और फिजिकल डिफेंस भी सॉफ्ट स्किल हो गया ना मतलब तो ये ये तो अब आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे रनिंग में तो चलो कर लिया कि भाई एक बच्चा फास्ट भाग रहा है एक एक आपने हंड्रेड मीटर की रेस लगाई तक... उसके अंदर हंड्रेड मीटर की रेस में आ, सब वे? लोग दौड़े आप उसको पांच ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं ना सर वेट हाइट स्पीड एंड दो और कौन से हम लोग ले सकते हैं इसके सर चलो वेट हाइट स्पीड इसकी बेसिस पे आप उनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं जी और पांच में पांच में तो सर उसके लिए हमें तो ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी तो तभी हो है। कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं ना हमें मालूम है ना अभी नहीं तीन नहीं समझ नहीं रहे आप जी सर, कर सकते हाइट आप मतलब कर सकते हैं सर पचास बच्चे जो हैं वो हाइट वेट और स्पीड की बुनियाद पर क्या अलग अलग पांच ग्रुपों में डिवाइड किए जा सकते हैं बिल्कुल है ना और सकते हैं किए जा सकते हैं ना इसी तरह उनको चार ग्रुप में भी कर सकते हैं तीन में भी कर सकते हैं ये आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग है कंप्यूटर भी ऐसी करेगा ओके सर ठीक है लेकिन कंप्यूटर जो है अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं अगर टेक्स्ट होगा तो कंप्यूटर चेक करता है कि भाई किसका टेक्स्ट आपस में मैच कर रहा है जी अब अगर दो न्यूज है और दोनों न्यूज जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो उनको एक ग्रुप में डाल देगा अगर फैशन से रिलेटेड है तो दूसरे ग्रुप में डाल देगा इट मींस के सर वो कीवर्ड्स की बुनियाद पर उनको जो है ना हाँ करेगा लेकिन देखो अब इसके अंदर आपने उसको फोर्स किया हुआ है कि भाई डेटा को पांच ग्रुप में डालने कितने ग्रुप में पांच ग्रुप्स में पांच ग्रुप में अब मसला ये है कि आपके पास जो न्यूज है वो या तो फैशन की है या स्पोर्ट्स की है अब वो क्या करेगा तो फिर दो में ही करेगा सर उनको नहीं लेकिन आपने पांच पे बोला था सब कैटेगरीज ढूंढेगा फैशन हाँ मतलब वो ये करेगा कि देखेगा कि भाई किसके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी है तो इस तरह वो कुछ ना कुछ करके पांच ग्रुप में डिवाइड कर देगा यानी कि एक समरी को वो दो या, दो या तीन से ग्रुप में रख सकता है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पर ओके सर ऐसा थैंक नहीं यू करेगा एक समरी को एक ही ग्रुप में रखेगा ना आपने बोला एक समरी को एक ही ग्रुप में रखना है ओके सर ओके यानी कि अगर दस हैं उनमें से चार हैं हमारे पास जो फैक्ट है कि फैशन और उसके मुतालिक हैं बाकी जो है हमारी रिक्वायर्ड कैटेगरीज के मुताबिक नहीं है लेकिन वो उनको पांच में कर देगा अपने इसकी बुनियाद पर हाँ ओके सर थैंक यू सर थैंक यू आप इसके लिए भी हमें जो है हमें जो है वो टोकनाइजेशन करनी है टोकनाइजेशन के लिए जो है हम के और जेनेजम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है और इसके अंदर से हम आ, साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि हम स्टमिंग और लिमिटेजाइजेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं अब ये स्टमिंग और लिमिटाइजेशन क्या होती है कि जिसके जरिए हम एक वर्ड को उसमें से डिजिट हटा देंगे ठीक है स्टॉप वर्ड इस तो हटा देंगे यानी कि जो छोटे छोटे आसान वर्ड हर मरतब आते हैं है, उन सबको हम हटा देंगे और उसके बाद जो है उसको हम उसको हम स्टमिंग कर देंगे स्टमिंग का मतलब ये होता है कि एक वर्ड है मिसाल के तौर पर क्या है पंक्चुएशन ये तो एक ही वर्ड है ना अब पंक्चुएशन जो है वो असल में पंक्चुएट से है तो हम पंक्चुएशन की जगह पंक्चुएट लिख देंगे तो स्टमिंग के ला दी स्टमिंग का मतलब है तना यानी कि मेन चीज जो है वो निकाल देंगे और उसके बाद जो है हम इसकी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे अब यहां पर मैं एक लेता हूं छोटा सा ब्रेक ये बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है वो अपने चैप्टर सिक्स में पढ़ चुके हैं तो अब आप लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रुके मैं हम ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर पंद्रह बीस मिनट का इस बीस मिनट के अंदर जो है वो आप लोग ये जरा इंटरनेट के ऊपर जाकर ये पता करें कि स्टमिंग क्या होती है लिमिटाइजेशन क्या होती है कोड आपके पास मौजूद है इसमें लिंक भी दिया हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये पढ़ना है आपको सही है इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरी है जर्निज्म ये क्या होती है ठीक है और क्यों इस्तेमाल करते हैं एनएलटी के क्यों इस्तेमाल करते हैं ये जरा चार पांच चीजें आप पढ़ लें इसके अलावा आप ये भी पढ़ लें कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो क्या होती है और कैसे काम करती है ठीक है तो मैं इसमें आपको पास बीस मिनट का ब्रेक ला लेता हूं बीस मिनट के ब्रेक के अंदर आपने क्या पढ़ना है सर उसमें ये कि ये जैसे स्ट्रिंग डेटा है ना तो स्ट्रिंग डेटा में इशू है थोड़ा ना तो उसको थोड़ा है? समझना पड़ेगा क्योंकि हम ज्यादातर हम अभी तक तो एरेज और उस पर कर रहे थे इसको आ, लेकिन आप आपको सिर्फ पुरानी किताबें पढ़नी है क्योंकि चैप्टर सिक्स में हम ये कर चुके हैं ठीक है तो ये बीस मिनट में आप थोड़ा सा ब्रेक लें सोचें और ये सब चीजें पढ़ लें अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये सब चीजें जो हैं वो हम ऑलरेडी इसमें लिंक्स दिए हुए ये लिंक्स आप देख लीजिएगा कुछ आपको जगहों पे सर्च करना पड़ रहा है कुछ पे लिंक है ठीक है बीस मिनट का आपके पास टाइम है और आप इसको आप इसको टाइम हम स्टार्ट करें ठीक है उसके बाद हम मैं आपके सवाल जवाब ले लूंगा जो भी है और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे अच्छा जनाब सब, लो सब लोग वापस आ गए या अभी पढ़ ही रहे सब लोगों ने कुछ समझ में आया कुछ कहानी समझ में आई जी सर अच्छा लेकिन अगर आप लास्ट वीक की वीडियो भी देखेंगे तो उसमें हमने काफी डिस्कशन किया था इसकी मैंने इसलिए अभी नहीं कराया था ऑलरेडी वो कर चुके थे और मैं चाहता था आप लोग तो खुद समझे ताकि आपको फायदा हो बिल्कुल सर ठीक है जनाब तो अब इसके अंदर देखें हमारे काम है इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा और बिल्कुल आपको टाइम लगाना चाहिए हमारे पास एक डेटा सेट है हमें उसकी अनसुपरवाइज लर्निंग करानी है उसके लिए हमें डेफिनेटली डेटा को टोकन में टोकन में डिवाइड करना है और उन टोकन को जो है वो उसको आपने कुछ चीजें अगर आपको ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप करना है उसको प्रोसेस करना है इसकी स्टमिंग और लिमिटाइजेशन कुछ पता लगा लिमिटाइज में और स्टमिंग में क्या फर्क है जी सर क्या पता लगा सर so स्टेमिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे वर्ड्स में से उसके सफिक्स और जो प्रीफिक्स होते हैं उनको अलहदा करके जो बेस रूट वर्ड होता है उसकी तरफ हम लेके जाते हैं जस्ट लाइक like हमारे पास अगर वाशिंग है तो हम उसका आईएनजी एन हटा के वाश की तरफ लेके जाएंगे वाशर है तो उसका ई er आर हटा के हम उसे वाश की तरफ लेके जाएंगे स्टेमिंग के अंदर हम लोग एडजेक्टिव प्रोवर्ब्स और इन चीजों की जो एक्सेसिव यूज होता है उसको हटा के बेस रूट वर्ड की तरफ उन्हें लेकर जाते हैं और ठीक है जा जो स्टेमिंग है इसमें हम लोग सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स को रिमूव करते हैं सर बट जो होती है हमारे पास उसके अंदर हम एक प्रीफिक्स और सफिक्स उसको भी रिमूव करते हैं बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास थ्री होती है फॉर्म्स होती हैं अगर रेन है तो उसे दोबारा हम रन की तरफ लेके आएंगे बट स्टेमिंग के अंदर हम लोग जो है ना

जितना भी डेटा है उस डेटा को अगर आप एक जगह जमा कर लें और उसका एक बैग ऑफ वर्ड बना लें यानी कि एक ही वर्ड एक ही दफा इस्तेमाल हो ठीक है तो उसको हम कहेंगे बैग ऑफ बैग ऑफ वर्ड अब मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है वी विल अब वी विल दस मरतबा इस्तेमाल हुआ है लेकिन हम एक दफा वी और एक दफा विल अपने एक एरे में स्टोर कर लें इसी तरह को एक दफा स्टोर कर लें, रिव्यूज को दा को एक एक दफा स्टोर कर लें तो इनको हम कहेंगे बैग ऑफ वर्ड ठीक है जी समझ में आ रही है बात यह जी सरन सर। खत्म अच्छा आप थोड़ा सा आप आगे चलते तो एक एक अगर ही अब जैसे मिसाल के तौर पर ये आप एक डिशरी बना रहा है इस डिशरी के अंदर जो है टोकनाइज करके इसमें उसने सर म्यूट कर दें दूसरों को सर डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी अच्छा तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास जब हमने हेडलाइन uh, के टेक्स्ट को एक जगह यूनिक निकाला था उसमें से यूनिक जो है वो एटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी वन यूनिक टोकन जो है वो निकला है

तो उसमें जितना नंबर होंगे वो उनके ऊपर प्रोसेस करेगा तो हमें इनको कम करना है ठीक है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम जेनेजम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं रिमूव एक्सट्रीम वर्ड्स आउटलायर वर्ड्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं या जो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं ठीक है और इसके अलावा हमने एक रिस्क भी लिया है और वो रिस्क ये है कि हमने बोला है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप फिफ्टी टू वर्ड जो फाइव वन टू वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना है तो हमने टॉप फिफ्टी इसको ये बोल दिया ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लें आप लोग मैं फिर आगे बढ़ जाऊं सर ये हमने लिमिट जो फाइव पॉइंट की जो लगाई है तो ये जो है एन एल का जो एल्गोरिथम है ताकि वो जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग करे इसलिए हमने लगाई है हाँ बिल्कुल इसीलिए लगाई है अब हमने इसको फिर इस वकेबरी को टेक्स्ट फाइल में दे दिया टेक्स्ट फाइल में देने का दो फायदे हैं हम चेक भी कर सकते हैं कि टॉप वर्ड क्या है लेकिन साथ साथ हम इसको अलगर्थम को जो है वो पास भी कर देंगे यार ठीक है और उसके बाद जो है वो हमने इसको टोकन इन फॉर्म ऑफ एक बैग ऑफ वर्ड हमने बना दी यूज अ डिक्शनरी टू बिल्ड अ बैग ऑफ वर्ड फॉर ईच हेडलाइन इट स्टोर्ड इन अ न्यू कॉलम कारोकन वी आर डन वी ड्रॉप द टैक्स रिव्यू द कलेक्शन इज हियर अभी आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि एक रिव्यू की जो आईडी है उसके अगेंस्ट में उस वर्ड की जगह एक नंबर डाल दिया है और उसके बाद जो है वो टैक्स को हमने हटा दिया लग रही होगी लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो है वो हम 6 के अंदर पढ़ चुके थे टू डायमेंशन uh, या फ्यू डायमेंशनल वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो इसके अंदर भी जो है वो एक टोकन जो मुझे नजर आ रहा है वो दो डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है अच्छा अब इसके अंदर जो है एक चीज़ जो है वो नंबर की पोजीशन है कि वो नंबर कहां पर है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि वो जो वर्ड है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है यानी जो, 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 जो जीरो है जीरो एक वर्ड की लोकेशन है हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है उसमें हर वर्ड की एक लोकेशन है तो जीरो एक वर्ड की लोकेशन है जो इस डॉक्यूमेंट में सेवन सेवन फोर थ्री नाइन एट के अंदर सिर्फ एक दफ़ा यूज हुआ हुआ है वन भी एक दफ़ा यूज हुआ हुआ है टू भी एक दफ़ा थ्री भी एक दफ़ा और फोर भी एक दफ़ा तो इसमें ज्यादा लव जो है वो एक-एक दफा ही यूज हो रहे हैं तो नहीं सर ये टोकन कम भी लंबे हो गए आपके आवाज ऐसी नहीं आ रही थोड़ा सा माइक सही करें अपना टेक्स्ट में ये जो तो नंबर हैं आईडीज के ये ज्यादा बड़े महसूस हो रहे हैं ये जो तो स्ट्रिंग दिए गए हैं इन सब नहीं ये तो आईडी है ना ये तो, तो ये तो डॉक्यूमेंट की आईडी है ताकि हम इस आईडी की मदद से दोबारा चेक कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट की सोर्स क्या थी असल जो हमारा काम है वो टोकन के ऊपर है हमारा जो डेटा प्रोसेस होगा वो टोकन की फॉर्मेट में होगा ठीक है हमें आईडी से कुछ लेना देना नहीं है अब हमें ये पता लग गया कि एनएम टी एल डी ए जो है वो डेटा जो है या तो सी एस पी फॉर्मेट में चाहिए या रिकॉर्ड आयो रेप प्रोटोब फॉर्मेट में चाहिए जो हमने फैक्टराइजेशन मशीन में भी आ, किया था अब हमें यह भी पता लग गया कि जितने भी हमारे रिव्यू हैं, उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ स्मॉल रिकवरी है डेंस फॉर्मेट वी विद एंड ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी वर्ड नॉट अ गुड आइडिया ठीक है अच्छा यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता हूँ सर जो हम टोकनाइजेशन करते हैं वो वर्ड्स करेक्टर सेंटेंस की बुनियाद पर होती है तो इसका बेस बेनिफिट हमें क्या हासिल होता है और हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो बेहतरीन है देखें इसका बुनियादी सवाल का जवाब यह है कि अगर फर्श करें इमेज है तो क्या हम इमेज हम इमेज को प्रोसेस करने के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में तो नंबर्स में क्यों करते हैं कोई और बता दे नंबर्स सर पिक्सल्स में नहीं सर मुझे नहीं एक इसको तो नंबर पे तो कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि सिस्टम जो है वो बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है दूसरा वो फाइल को डिक्रीज कर देता है नहीं असल में मसला ये है कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम सर मशीन नंबर ही पड़ती है हाँ मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है या कोई भी मशीन लर्निंग हो वो नंबर ही पढ़ता है असल में तो अगर मैं एक वर्ड उसको प्रोसेस करने को दूंगा तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि वो वर्ड को नहीं समझता आपको उसको नंबर में ही कन्वर्ट करना है तो कोई भी डेटा हो चाहे वो सर, हो, हो कन्वर्ट कर रहे हैं जो उसे हम वन डायमेंशन या आपकी आवाज आनी बंद हो गई सर इसमें हम ये कह सकते हैं जिस नंबर ऑफ ग्रुप्स में हम डेटा को डिवाइड करते हैं वन डायमेंशन यानी सर हम अगर डेटा को डिवाइड करते हैं या टू नंबर्स के अंदर। तो ऑलरेडी जो हमारे पास सिस्टम आप, किस के लिए है आप जो है ना वो मैं अक्सर देखता होता हूँ कि बहुत सारे हम सब लोग जो है ना वो नए नए जाकर मशीन लर्निंग के कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं अच्छी बात है पढ़ना चाहिए लेकिन एक जो चीज ये करते हैं कि जो हम कोर्स पढ़ते हैं वो बहुत ही शेलो पढ़ते हैं यानी हम सही से नहीं पढ़ते हमें बजाय कि हम दस कोर्सेस पढ़े और शेलो पढ़े हमें एक ही कोर्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ये मेरा तरीका है तो आप लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारे हो वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे लेकिन आपने जो फ्रेंक को शोले की है ना वो सही से नहीं पढ़ी

हमें वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फ्रेंकर्स शोले ने आपको शायद चैप्टर थ्री या फोर में ही बताया था आपको याद नहीं आ रहा कि उसका एक तरीका यह है वन हॉट कोडिंग वन हॉट कोडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर एक सेंटेंस है ये वाला तो सबसे पहले हम इंग्लिश की एक डिक्शनरी लेंगे जिसमें हम देखेंगे कॉमन वर्ड कहाँ है और कितने हैं वो सब उस डिक्शनरी में डाल देंगे और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वी जो है उस डिक्शनरी में कहाँ लिखा हुआ है अब अगर फर्ज करें वी जो है उस डिक्शनरी में क्योंकि वी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट कर लें अगर हम तो वी आखिरी में होगा और बीस हजार की डिक्शनरी है तो वी का नंबर जो है उन्नीस हजार एक सौ होगा तो हम एक बहुत बड़ा एरे लेंगे बीस हजार उसकी लेंथ होगी अब यहाँ पे जो बात समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा एक बहुत बड़ा एरे होगा जिसकी बीस हजार लेंथ होगी उसमें उन्नीस हजार एक सौ की जगह पर जहां पर वी लिखना है वहां पर वन लिखा होगा और बाकी सब जगह पर जीरो इस्तेमाल होगा

एक ऐसा एरे होगा एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें जिसमें एक एक वर्ड जो है उसकी जगह पे वन लिखा हुआ होगा उस एरे की जगह पर और बाकी उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानवे जगह पर जीरो लिखा हुआ होगा सर, गी 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 जो क्वेश्चन है ना सर इसके बाद आप बिल्कुल ठीक है, है हम मानते सर जो बेसिक क्वेश्चन था ना सर जी सर जो जो बेसिक क्वेश्चन था ना सर वो यहाँ पे ये है कि जो हम नुमरिकल डाटा हमारे पास या वर्ड की टेक्स्ट फार की फार्म में डाटा होता है हम उसे टोकनाइजेशन करते हुए में कन्वर्ट करते हैं जो सिस्टम हमारे पास पीछे मौजूद होता है एल्गोरिदम होता है जिसने प्रोसेस करना होता है इस तमाम डाटा को किस को कुछ न कुछ डिसीजन निकालना होता है उसमें से तो वो ऑलरेडी ही टोकनाइजेशन के प्रोसेस को जानता है और बैनरी सिस्टम को जानता है कि अगर ये जो मेरे पास टू डायमेंशनल जो है ना फिगर्स आए ये फलाम वर्ड्स के होंगे जस्ट क्वेश्चन ये था नहीं इसमें तो ये तो आपने या सिस्टम को भी पीछे बताने के लिए, लिए कि वर्ड किस बाइंड किया देखें आप जो है ना आप लोग सर मिसाल ये है कि हम एक वर्ड के साथ या टू डायमेंशनल जो है ना मेरी बात सुनो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको अटैच कर सकते हैं आप आप समझ आप आप कुछ भी नहीं समझ रहे ठीक है जो जो बेसिक साइंस है ना उसको समझने की कोशिश करो और वो जो साइंस है वो कहलाती है इन -कोडिंग। इन -कोडिंग को समझो ये मुझे बताओ इन क्या होती है कभी पता करिए क्या होती इनको बेसिक अगर टेक्निकल फील्ड में देखा तो इनकोडिंग जो हम डाटा देते हैं उसे वो इनकोड करके कर कर सिस्टम को फ्राम करता है और सिस्टम प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट करता है आप तो लोग सबसे पहले जो है ना वो मशीन लर्निंग से पहले कंप्यूटर की बेसिक्स पढ़े बच्चों की किताब उठा लें इंटर की या ए लेवल की अच्छी होती है बड़ी अच्छी किताब ए लेवल की ओ लेवल की वो है। उसमें एक चैप्टर है इन कोडिंग का ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको या इंटरनेट पे लें कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन की मतलब नंबर ही समझता है ना तो हम क्या करते हैं कि हर चीज को एक नंबर दे देते हैं अब उसका तरीकेकार होता है ना मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अल्फाबेट है ए है तो ए को आपने कोई ना कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है उस नंबर के अगेंस्ट में वो सेव होता है क्या पता है आपको कैपिटल ए का नंबर क्या है जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर में यूज होता है तो 25, के किया जाता 25, 25, एसकी कोड एसकी कोड आप लोगों ने पढ़े हुए है ना तो आप मुझे बताए एस सी डबल आई का मतलब क्या है सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ठीक है अब इसमें एक जो चीज है वो कभी भी हम नहीं समझते एक है कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड यानी कि आपने हर वर्ड को हर चीज को एक कोड असाइन कर दिया है जो कि एक नंबर है ये बात समझ रहे हैं आप लोग uh, uh... वो जो बाहर बात कर रहे थे ये वो भी चीज है एक्चुअली नंबर वो कह रहे थे कि जितने भीशन दोबारा इसके भी आए पर... थे असल चीज है नंबर क्योंकि अगर आपके पास नंबर होगा तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेस्टेशन भी कर सकते हैं असल जो लेकिन मेन चीज है अगर कोई चीज नंबर ही नहीं है

कोड और नंबर में क्या फर्क है ये मुझे बताएं कोड कोड और नंबर में क्या फर्क है सर नंबर हमारे आगा? पास जस्ट एक डिजिट होता है कोड हमारे पास स्पेसिफिक डिजिट्स को मिला के बनाया जाता है जिसको हम लोग करेक्ट हम हम अगर किसी चीज को किसी किसी एलिमेंट को किसी टेक्स्ट को किसी पिक्चर को अगर कोई नंबर असाइन कर देंगे तो वो कोड कहलाता है बिल्कुल तो सही है ठीक है नंबर तो हर नंबर है ना अब मिसाल के तौर पर ये जो ये जो चीज है जिसको हम आईडी भी कहते हैं ये कोड है सेवन सेवन फोर थ्री नाइन एट ये हमने एक डॉक्यूमेंट को बताया कि भाई एक डॉक्यूमेंट है या एक टेक्स्ट है उसका ये हमने असाइन कर दिया तो अब ये क्या बन गया है? ये कोड बन गया जैसे हमने ए को सिक्सटी फाइव असाइन कर दिया है तो ए का सिक्सटी फाइव जो है वो ए का कोड है नंबर नहीं है क्योंकि ए तो अल्फाबेट है इसी तरह हमने अभी आपको इससे जब समझ में आएगी आपको क्या आपको पता है कि नाइन को जो नाइन डिजिट है उसका कोड क्या है एसकी के अंदर कोई चेक करके बता सकता है तो बीरू बन बन बीरू वाली कहानी ना जीरो कहानी नहीं है फिर गलत चलेगा भी चलेगा आप, आप।, आप मुझे बताएं कि नाइन का एसकी कोड क्या है फिफ्टी सेवन 57? 57. तो हमने क्या किया कि एक डिजिट जो था नाइन नाइन एक नंबर है एक डिजिट है हमने उसको भी एक कोड असाइन कर दिया तो उसका जो कोड है वो फिफ्टी सेवन है नाइन का कोड क्या है फिफ्टी सेवन तो जब हम किसी चीज को कोई नंबर असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इनकोडिंग को हम कोड में असाइन करते हैं मिसाल के तौर पर क्या हम क्या हम किसी कलर को इनकोड कर सकते हैं और करेंगे तो कैसे करेंगे एक्षा कोड़, एक्षा कोड़, एक्षा कोड़, से. कैसे करेंगे मतलब आप कभी आपने सुना होगा ना यार कि भाई रेड ग्रीन ग्रीनो एक जगह लिखा हुआ है रेड जीरो इसका मतलब क्या है रेड जीरो का मतलब क्या है रेड नहीं है ठीक है, है और रेड टेन का मतलब क्या है फुल रेड नहीं नहीं शेड तो, तो रेड लेकिन intensity कितना शेड है ये रेड की इंटेंसिटी हाँ अब रेड टेन का मतलब क्या है रेड जीरो का मतलब है रेड नहीं है और चलो मैं इसको आसान करता हूँ रेड टू फिफ्टी फाइव का मतलब क्या है ये फुल है फुल रेड है फुल रेड है तो वन ट्वेंटी एट का मतलब क्या है हाफ रेड है हाफ रेड है उसका तो फिफ्टी 50... उसका शेड है उसका चेंज हो जाएगा फिफ्टी सिक्स का मतलब क्या है सर ये चेंज हो रहा है शेड के कलर उसकी इंटेंसिटी कम होती है नहीं देखो अब आप, मैं आपको आसान कर रहा हूं ना मैं ये कह रहा हूं कि अगर 255 का मतलब फुल है और 128 का मतलब हाफ है तो 56 का मतलब क्या है होगा यानी बिल्कुल करेंगे हो तो वन फोर्थ है ना तो इसमें यह है कि हमने क्या किया कि रेड की इंटेंसिटी को रेड के कलर की इंटेंसिटी को डिवाइड कर दिया डिफरेंट नंबर्स में और हर इंटेंसिटी को एक नंबर में डिफाइन कर दिया तो यह भी क्या इनकोडिंग इनकोडिंग है है यानी कि जो रेड कलर की वो किस में आ गई जीरो से लेकर 50, 255 तक 256 हमने शेड्स के अंदर डिवाइड करके और हर शेड को एक नंबर दे दिया इसको हम कह रहे हैं इनकोडिंग अब इसी तरह उसको आगे गए हमने कहा भाई एक पिक्सल की जो इनकोडिंग है वो तीन लेयर लेवल दो लेवल पर है एक हर पिक्सल के अंदर दो डायमेंशन है एक डायमेंशन के अंदर हम बताते हैं कि रेड का कितना शेड है फिर दूसरी डायमेंशन के अंदर बताते हैं दूसरे डायमेंशन में बताते हैं ग्रीन का कितना शेड है फिर तीसरी डायमेंशन में बताते हैं ब्लू का कितना शेड है तो ये उसकी इनकोडिंग है तो तीन डायमेंशन बताते हैं टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव इसका मतलब है रेड भी टू फिफ्टी फाइव है ग्रीन भी टू फिफ्टी फाइव है और ब्लू भी टू फिफ्टी फाइव इसी तरह जब हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो टेक्स्ट को हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें कोई इनकोडिंग स्कीम सोचनी पड़ेगी अब वो हमारी इनकोडिंग स्कीम क्या है वो हमें खुद बता दी है अब हमारे पास टेक्स्ट की जो इनकोडिंग स्कीम है वो कौन कौन सी है वो हम पिछले टेक्स्ट मरतबा पढ़ भी चुके थे मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना था लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एक हमारी ये है हमारे पास जो एक इनकोडिंग की जो स्कीम है वो कहलाती है वन हॉट कोडिंग जिसके अंदर हम जो है इस तरह का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने इनकोड कर दिया कि रोम जो है उसके अंदर जो पहला जो वर्ड है वो वन है और पहला पहले इस लिस्ट के अंदर पहली जो एलिमेंट है वो वन है और बाकी सब के सब जीरो हैं ये कहलाते हैं वन हॉट कोडिंग अब मैं इसकी एक आसान एग्जांपल आपको समझाता हूँ बोली सिंपल तरीके से जो शायद आपको समझ में आ जाए ये सबसे आसान एग्जाम्पल है इसकी एप्पल वाला ये इसको देख लेते हैं ठीक है मैंने क्या किया एप्पल को वन असाइन किया चिकन को टू असाइन किया और इसको मैं खोल लेता हूं अपने और ब्रोकली को तीन असाइन किया अब इसके अंदर अगर मैं इनको वट हॉट कोडिंग में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा कि मैं तीन एलिमेंट का एक रहे लूंगा उसमें एक जो है वो वन होगा और बाकी जीरो होंगे ये वाली बात समझ में आ रही है सबको और ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने तीन का ही क्यों लिया तीन का ही क्यों लिया जी समझ आ अगर फर्ज करो कि मेरे पास फूड अगर नेम जो है हंड्रेड होते है, तो मुझे कितना कह लेना पड़ता 100 को. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अब मसला ये है कि अगर फर्ज करो मेरे पास ट्वेंटी थाउजेंड प्रोडक्ट्स हैं तो मैं कितने का एरे लूंगा ट्वेंटी थाउजेंड का और उस ट्वेंटी थाउजेंड में सिर्फ एक जगह वन लिखा हुआ होगा और बाकी जगह पे क्या लिखा हुआ होगा जीरो तो. जीरो अब इतने बड़े एरे को लेकर आना और उसको प्रोसेस करना यह काफी मुश्किल काम है इसीलिए वन हॉट कोडिंग लार्ज डेटा के ऊपर फेल हो जाती है अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास वर्ड इम्बेडिंग्स अब वर्ड इम्बेडिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हर वर्ड को इनकोड कर देते हैं छोटे वर्ड के अंदर सही है इसके अंदर पहला लेवल बिल्कुल सेम है लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं अब वर्ड इम्बेडिंग के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप कौन सा है कि हम क्या करते हैं बारह हम यहीं पे आ गए हम क्या करते हैं हम बैग ऑफ वर्ड बनाते हैं क्या बनाते हैं बैग ऑफ वर्ड अब बैग ऑफ वर्ड क्या होता है बैग ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है ये आप देख लें ये मेरे पास एक बैग ऑफ वर्ड है और भी मैं देख लेता हूं इसमें बैग ऑफ वर्ड ये एक जैसे बैग ऑफ वर्ड है आप बैग ऑफ वर्ड का एक मतलब ये होता है कि बजाय ये कि मैं वो वन हॉट कोडिंग पे जाऊं मैं सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एक लिस्ट में लिख लू ठीक है

सही है और इसकी पोजीशन भी है ये बैग वर्ड समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है अब अगर मुझे फर्ज करें मेरी किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एडवेंचर चाहिए हो कि यार एडवेंचर लिखा हुआ है तो मैं एडवेंचर की जगह उसकी पोजीशन का नंबर डाल दूंगा इसमें क्या पोजीशन बनती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन तो मैं लिख दूंगा थर्टीन और थर्टीन क्या लिख दूंगा वन तो मैंने क्या किया ये इस इनकोडिंग के जरिए अपने एक टेक्स्ट को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जिसको मैं कह रहा हूं इनकोडिंग और मैं इसको अगर सही नाम दू तो मैं बोलूंगा कि मैंने अपने एक वर्ड uh, को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जो कि नोमरिक है तो इसलिए आप मेरे पास जो है वो डेटा अब यही चीज देखें यहां पर भी मौजूद है कि यहां पर ये यह थे ये सारे के सारे ये वर्ड है और इनको मैंने यहां पर जब कन्वर्ट किया तो ये नंबर में आ गया अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीरो था मैं पहली वाली पोजीशन में जाता हूं यहां पर यानी कि जो ए बी ए था ए ए बार डिसाइड कम्युनिटी तो ए बार जो है उसको जीरो मिल गया सब क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा था तो सबसे पहले वही आ गया और ए बार को जीरो मिल गया और उस जीरो को जो है वो हमने एक नंबर में नंबर दे दिया और ये भी साथ में बता दिए कि अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसमें देख सकते हैं ज्यादातर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वन है और कोई यह यह बात तक समझ में आ गई आपको तो यह हमारी कहलाती है इनकोडिंग और इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने टेक्स्ट को नोमेरिक्स में या नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा अलग प्रोसेस कर सके दैट्स इट कोई सवाल हो तो पूछ लें आप इसमें थैंक यू सर कंप्लीट समझ आ गई चलते अब हमने इसको सबको हमने अपने एक फाइल 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 में 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 या टेक्स में या आ, बफ की में जो है वो हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद बस जो तो डेटा प्रिप्रेशन है वो हमारी कहानी थी और उसके बाद जो है अब इसके अंदर हम यहाँ पर इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं डेटा एक तो सी फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं दूसरा हमारे पास प्रोटोबफ वाला ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम एक और फॉर्मेट जिसको हम जो है वो रिकॉर्ड आयो या प्रोटोबफ कहते हैं वो उसमें हम सेव कर रहे हैं तो इसके अंदर हम दोनों फॉर्मेट में आपको डेना डेटा जो है वो सिखा दिया है कि भाई किस तरह का डेटा जो है वो आपके पास सेव हो जाएगा और असल चीज यही है कि भाई आपको डेटा प्रिपेयर करना है जब आपका डेटा प्रिपेयर हो गया तो आप जो है आपके पास जो है वो क्ला, क्लासिफिकेशन जो है उसमें करनी है तो आप हम डायरेक्ट जो है वो क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यार जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हो रही है वो बिल्कुल वैसे ही हो रही है हमने डेटा अपलोड किया हमने बताया कि जी हमारा इस्टीमेटर जो है वो कौन सा है हमारे इस्टीमेटर जो है वो कंटेनर है और कंटेनर क्या है ब्लेजिंग टेक्स्ट है उसके अंदर इंस्टांस का काउंट क्या है ये सारी कहानी जो है वो हमने बताई और उस पर ट्रेनिंग करवा दी और ट्रेनिंग करवाने के बाद हमने जैसन दिया अब आप देखिए हमने यहाँ पर डिप्लॉय भी करा दिया ये मैं बार-बार इसलिए फास्ट शॉर्टकट मार रहा हूं क्योंकि ये हम ऑलरेडी बहुत दफा कर चुके हैं डिप्लॉयमेंट का स्टाइल एक ही है ये हमने एक सेंटेंस लिया ठीक है और इस सेंटेंस को जो है वो हमने बताया कि भाई हमारा जो इंस्टेंसेस हैं वो सेंटेंसेस हैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो k3 है ये क्या हो रहा है एक मिनट कहाँ चला गया मैं हाँ, ब्लेजिंग टेक्स्ट का मोड हमारा सुपरवाइजर है हमने इसके अंदर आ, कुछ पैरामीटर्स दिए और उसके बाद हमने इसको प्रिडिक्ट कराया तो प्रिडिक्ट करने के बाद हमने ये प्रोबेबिलिटीज ने हमें वापस कर दी और हमने ये बताया कि इसका जो लेबल है वो नेगेटिव है मतलब इसके अंदर आप देखें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है 0.9 के है 0.2 है और 0.006 00 है और ये इसका मतलब ये हुआ कि हम ये रिज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है वो नेगेटिव है इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है जीरो पॉइंट फाइव वन है जीरो पॉइंट वन नाइन है तो इसके अंदर ये नेगेटिव ये न्यूट्रल है इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव है ये तीन डिफरेंट हमने टैक्स जो है वो उसको दिए हैं ये देखें यहाँ पर हमने डिफरेंट टैक्स दिए हैं तीन टैक्स दिए थे ये मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो टोकनस हैं उनको हमने उसको हमने के से नाम दिया हुआ है तो के जो है वो थ्री है और इसके बाद हमने इसको बताया तो इसने हमें बताया कि भाई ये जो टेक्स्ट है दिस इज अ बैड कैमरा इट डज नॉट वर्क एट ऑल आई वॉन्ट अ रिफंड ये नेगेटिव है द कैमरा वर्क्स द पिक्चर आर अ डिसेंट क्वालिटी नथिंग स्पेशल टू से अबाउट इट ये न्यूट्रल है और वी आर हैप्पी ये जो है ये पॉजिटिव है तो तीनों के बारे में उसने हमें ये बता दिया कि उनकी नेचर ऑफ टेक्स्ट जो है वो क्या है यहां तक तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग इसी तरह अगर आपको जो है वो और मजीद जो हमारे इसमें जैसे मैं बता दू बैग ऑफ वर्ड और ये सब चीजें जो है वो अगर आपको कंप्यूट करनी है इस ब्लेजिंग टैक्स से अक्सर जो हमारे मशीन लर्निंग के टैक्स अलग होते हैं वो बैग ऑफ वर्ड या वर्ड वेक्टर्स जो है हमें बनाने में हेल्प देते हैं बैग ऑफ वर्ड में और वर्ड वेक्टर में क्या फर्क है बैग ऑफ वर्ड का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आपको एक वर्ड की लिस्ट बना देता है और फ्रीक्वेंसी दे देता है लेकिन वर्ड टू वेक्टर जो है वो उसके अंदर ये भी चेक करता है ये मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेता हूँ इसको ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए वर्ड टू वेक्टर जो है वो आपको नंबर्स भी दे रहा होता है और वो जो नंबर्स हैं वो बेस कर रहा होता है उनकी आपस में सिमिलरिटी के ऊपर अगर आप यहां पर देखें तो इसमें द किंग इज बॉर्न अब इसके अंदर उसने हमारे पास जो वर्ड ऑफ ये बैग ऑफ वर्ड होता तो इसके अंदर दा की पोजीशन पे जहां पे ये दा मौजूद होता उसका नंबर हम बता देते और दा कितनी मरतहा इस्तेमाल हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी बता देते लेकिन अब जब हम वर्ड टू वेक्टर करते हैं तो वो इसके अंदर इसके अंदर एक दो तीन चार स्टार डायमेंशन डेटा हमें दे रहा है जिसके अंदर बताता है कि ये पहली डायमेंशन का दूसरी डायमेंशन का तीसरी डायमेंशन का चौथी डायमेंशन का अब इसके अंदर जो है वो आपस में इनके दरमियान में जो वर्ल्ड के दरमियान में रिलेशनशिप होता है उससे ये एक नंबर जनरेट कर देता है अब आप बोलेंगे कभी वर्ल्ड के दरमियान रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है वर्ड के दरमियान रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड किसी वर्ड के साथ बहुत ज्यादा आ रहा हो तो हम उसको ये कहते हैं कि यार ये वर्ड के साथ जो है वो आ, मैच हो रहा है जैसे मशीन लर्निंग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग की जो वर्ड इडिंग है वो हमें वो क्या लेकर आता है कुछ खास नहीं लेकर आ रहा लेकिन हम ये देख सकते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो आ, बहुत करीब करीब बहुत ज़्यादा साथ साथ इस्तेमाल होते हैं तो मशीन लर्निंग की जो डायमेंशन के अंदर जो वर्ड है वो काफ़ी मिलते जुलते होंगे ताकि इससे हमें पता लग जाएगा कि मशीन और लर्निंग ये आपस में काफ़ी एक साथ इस्तेमाल होते हैं इसी तरह डेटा साइंस

जी बिल्कुल इसके जरिए हमारे पास की मल्टीपल डायमेंशन होती है जैसे हम फ्रेंकवाइ शोले की किताब का जिक्र करें इतनी मरतबा मैंने बोल दिया ना तो फ्रेंकवास शोले की किताब मैं आप लोगों को खोल के दिखाई देता हूं ना ताकि आप लोगों को डीप लर्निंग और well... असल में अगर कॉन्सेप्ट समझना जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हैं तो लाइब्रेरी तो मिल जाती है लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो लाइब्रेरी नहीं मिलेगी सर वर्ड टू वेक्टर और वर्ड इन और जो आपने बैग ऑफ वर्ड इन दोनों में से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेहतर होती है बैग ऑफ वर्ड जो है ये हमारा ब्लेजिंग टेक्स इस्तेमाल करता है लेकिन वर्ड इम्बेडिंग जो है वो ज्यादा बेहतर तकनीक है और आप इसमें देखें इसमें डिफरेंट डायमेंशन बनती है देखिए ये जो किताब चैप्टर सिक्स में कह रहा था आपके पास तो इसके अंदर इसने आपको इस चैप्टर फोर के अंदर वन हॉट कोडिंग भी सिखाई है अगर आप देखें मैं इसको बोलता हूं डिक्शनरी

कॉमन डिक्शनरी तो है ही नहीं तो ये सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं कि भाई आपका जो फाइव फाइव हंड्रेड डॉक्यूमेंट्स है उनको अगर आप डिक्शनरी में डालेंगे तो आपके पास ये वाली डायमेंशन बन जाएगी तो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है अच्छा अब इसके अंदर ये भी जबरदस्त चीज़ है प्या आ गई आ, ये एक टी डी एफ ये जो आप हम पूछ रहे थे ना हम सिमिलरिटी कैसे पता करते हैं तो उसके अंदर ये वाली चीज़ भी आप लोग पढ़िएगा ये मैं बता नहीं रहा क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आपने आ, पढ़ा होगा आ, इसका नाम चेंज हो गया लेकिन ये शोले होली चैप्टर नाइन में था इसको हम कहते हैं टी डी एफ आई डी एफ नॉर्मलाइजेशन टोकन फ्रीक्वेंसी हाँ पढ़ा नहीं सर ये स्टडी नहीं किया दो तीन चैप्टर अच्छा जाएंगे तो जो नीचे स्टडी किया हमने अच्छा तो आप ये चीज भी देखिएगा जरा टी डी एफ टी एफ आई एफ डॉक्यूमेंटेशन ट्रम फ्रीक्वेंसी और जो यहां लिखी हुई है ट्रम अपेयर और एक और चीज है मैं इसको सर्च कर लेता हूं ये विकीपीडिया पर ठीक है इज आ इंश्योर देट टीएफ ट्रम ये क्या मतलब है इसका ट्रम फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये आप पढ़िएगा इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है पता होंगे तो ये आपके फायदे में आ जाएंगी तो इसके अंदर शायद यहां पर इम्बेडिंग्स के ऊपर भी कहीं पर बात की है आ, वो भी आप देखिएगा तो बताने का मकसद ये हुआ कि आपके पास जो है वर्ड इम्बेडिंग्स जो है वर्ड टू वैक्टर्स जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और आ, इसके अंदर और भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं जैसे एक स्किप ग्रैम है एंड कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड ये दो अप्रोचेज हैं जो वर्ड टू वेक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं पूरी डिटेल्स हैं इसकी आप लोग पढ़िए तो आपको मजा आएगा और टाइम भी लगेगा तो इसमें कुछ सवाल हो तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको ग्रुप पे कर दीजिएगा मुझे मेंशन करके तो मैं जो हूँ उसका जवाब दे दूंगा अगर आपने मुझे मेंशन किया तो फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा तो अब इसके अंदर बाकी सब चीज़ें जो है वो यही है कि भाई किस तरीके से ये सारा डेटा यहाँ पर काम आ रहा है कैसे ये चलेगा कैसा नहीं चलेगा मगर इस चैप्टर के अंदर जो है जो मेन थीम है और जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो, वो ये है कि आप जो है वो इन चीज़ों को समझें इस चैप्टर को आप आराम से पढ़ें थोड़ा सा टाइम लगाएं इसके कॉन्सेप्ट पढ़ें लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे कोड जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि कोड हम सारे के सारे ऑलरेडी कर चुके हैं या वो कोड जो है वो पुराने ही है हमारे पास तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस टेक्स्ट प्रोसेसिंग अभी क्योंकि आप लोगों को परेशानी हो रही है तो इसके लिए मैं इस को यहीं पे रोक रहा हूं आप लोग आज uh, बैठकर कर uh, सब साढ़े नौ बजे क्लास खत्म हो जाए तो आप जो है वो इसको फर्दर स्टडी कीजिएगा और जो जो चीजें समझ में नहीं आ रही पूछ लीजिएगा या कल पूछ लीजिएगा तो हम जो है वो एक क्वेश्चन आंसर क्लास जो है वो कल शाम को आ, कर लेंगे इसके हवाले से पांच छह बजे तक क्या ख्याल है आप लोगों का ठीक है ठीक है सर ठीक है, है क्योंकि इसके थीक थीक अंदर थीक आपको थीक पढ़ना बहुत पड़ेगा काफी मटेरियल है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है उसकी वजह यह है कि हम जब मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस जो है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर आरसीएनएन सीएनएन पे तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन अक्सर हम उसमें से जो डेटा प्रिपरेशन है वो भूल जाते हैं तो इसमें डेटा प्रिपरेशन की काफी डिटेल्स जो है आपके पास मौजूद है ठीक है तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है डेटा के लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है तब हाँ. तब जाके हमें पता चलता है कि कैसे हमने डाटा को प्रोसेस करना है क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट फील है इसमें जो है ना हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत मैटर करती है जितना हम डीपलीटिकल थिंकिंग तो नेक्स्ट लेवल है ना क्रिटिकल थिंकिंग जब आएगी क्रिटिकल थिंकिंग जब आएगी जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे अभी तो आपके पास बेसिक थिंकिंग में नहीं है उसकी वजह यह है कि आपको बेसिक चीजें याद नहीं है इखलाकी तौर पर हमारे उस्ताद हैं जिया खान साहब वो ये कहते हैं कि भाई जो कम से कम से एक किताब जो आप सबसे अच्छी आपके पास हो वो आपको रटी भी होनी चाहिए उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, उसको री करना चाहिए। हाँ वो फ्रेंक शोले की जो किताब है ना वो आपको उसका एक एक टॉपिक जो है आपके जहन में होना चाहिए वो रटी भी होनी चाहिए आपको यानी कि अगर उससे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए आप फटाफट उस जगह पे जाकर कम से कम उस जगह पे चले जाएं जहां पे उस सवाल का जवाब मौजूद है yes. ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कोई yes. सारा काम नहीं कर सकेंगे बिल्कुल ठीक है तो हम कल शाम को साढ़े चार बजे जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे लेकिन ये वो जो तो सेशन होगा ना वो क्वेश्चन आंसर का होगा मतलब मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा

वो जो मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्रेंक का शोले की जो किताब है उसमें दो चीजें हैं एक तो मूवी रिव्यूज है ठीक है और एक और आ, ट्विटर हाँ ट्विटर के एनालिसिस है सेंटिमेंट एनालिसिस है ट्विटर का और मूवी रिव्यूज है एक मल्टी क्लासिफिकेशन है और एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है टोकनाइजेशन तो हमने पढ़ी थी लेकिन आज, जो सेंटीमेंटल मैसेज नहीं हमने किया उसमें फ्रे, फ्रेंकाश शोले ने आपको ट्विटर के डेटा जो है वो डाउनलोड करवाया उसको वर्ड टू वेक्टर में कन्वर्ट कराया लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अलगरथम कौन सा है इज दिस पॉसिबल मतलब ये बताइए पॉसिबल हो सकता है क्या आपको तो बता रहा हूँ मतलब क्या ये हो सकता है ऐसा हो सकता है नहीं, सर, होना चाहिए में इसके अंदर होगा फिर ठीक है आप जैसे ये बता रहे हैं भाई डेटा दे, सेट ऑफ ट्वीट्स तो आपको ऐसा लगता है कि ये बाद में आपको ये नहीं बताएगा कि अलगरथम कौन सा होगा इसका ऐसा कह रहे हैं आप लोग इसके अंदर एक एक डिटेल्स बहुत ही डिटेल्स में चीजें समझी हुई है चैप्टर सिक्स है ये देख लें इसका नाम तो इसके अंदर जो है वो ऐसा हो नहीं सकता मेक सेंस के जो है वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है लेकिन क्या किसी को पता है कि यूजली हम आ, जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर कौन सा यूज़ करते हैं आखिरी उसके अंदर एनएन तो आता है अब वो कौन सा एनएन है कोई बता सकता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जैसे इमेज प्रोसेसिंग के लिए सी एन एन इस्तेमाल करते हैं ना तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्रोसेसिंग के लिए कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं ए एन एन सर ए एन एन तो नॉर्मल हो गया ना आर एन एन आर एन एन होता है कोई सर आर एन एन नहीं होता आर एन एन होता है ठीक है अब इसके अंदर जो है ये आर एन एन जो है वो हम यहाँ पर देखें नेचुरल प्रोसेसिंग है इसके अंदर आपको बताया गया है टैक्स ट्राइजेक्शन टैक्स इस्प्लिटिंग विकैबलरी डेक्सिंग ये सारी कहानी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड और बताया गया आईएमडीबी का डेटा जो है वो कैसे रिव्यूज़ होगा सीक्वेंस मॉडल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये सारी कहानियाँ जो हैं वो इसमें बताई गई हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसके लिए आर जो है वो इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए और एल एस टी एम भी इस्तेमाल करते हैं याद आ एन एन ठीक है जी सो दिस इज द एंड ऑफ आवर मेकर जर्नी अब इसके अंदर अगर आप लोग कुछ चाहें तो आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं मैंने इम्प्लीमेंटेशन इसलिए खत्म कर दी थी कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बाकी कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखें इसके कोड जो है वो आपको कॉपी करने हैं अपने एमेजोन एनवायरमेंट में और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कोड इम्प्लीमेंट नहीं करी भी कर पा रहे तो चलो ठीक है आप ये कह सकते हैं कि जी हमें सेजमेकर में हमने पढ़ा तो है लेकिन उस पर काम नहीं किया लेकिन कमस कम अज कम कम अज कम ये अलगम जो है ये आपको टेंसर फ्लो में तो इम्प्लीमेंट करने हैं ना तो आप ये देखें कि यार अगर मेरे पास ये वाला डेटा है आप लोग एक साल से मेहनत कर रहे हैं और अगर आपके पास कौन सा डेटा है आपके पास हाँ रिव्यूज वाला ये रिव्यूज वाला डेटा जो है कहाँ मौजूद है भाई ये रिव्यूज वाला डेटा ये यहाँ पर मौजूद है अगर यहाँ पे नहीं तो कहीं और से आप उठा लेंगे ये डेटा जो है वो आप डाउनलोड करें और इसके अंदर अगर आप आ, ये तो आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि भाई हम सेज मेकर में इसलिए काम नहीं कर सके कि हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे पास कार्ड नहीं था लेकिन अगर आप इस रिव्यूज को खुद टेंसर फ्लो में भी इंप्लीमेंट नहीं कर सके तो फिर क्या एक्सक्यूज देंगे कोई एक्सक्यूज होगा आपके पास सिवा इसके के टीचर ने नहीं कराया था क्या कहते हैं ख्याल है आप लोगों इस बारे में तो करनी पड़ेगी है ना तो आप लोग अगर आप आपके आज का जो काम है वो ये है काफी ज्यादा है लेकिन आज और कल जो है थोड़ा सा टाइम लगाए और इसके अंदर जो है ये सारे जो कोड दिए हुए हैं इसमें से काफ़ी हद तक कोड जो है वो आप पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें कि ये मैं अपनी लोकल मशीन पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ खसूस ये एन एल एन एल टी के और जेनेजम ये वाली चीज़ तो आपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं ये ये नहीं अपने कंप्यूटर पे भी नहीं कर सकते जवाब नहीं आ रहा सब लोग खामोश है सकते। तो आप लोगों को ये करना है ताकि कम से कम मतलब आप ये तो एक्सक्यूज दे सकते हो कि भाई सेज मेकर पे हम काम नहीं कर सके ये मसला था वो मसला था लेकिन आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मेरे पास अगर एमेजोन के रिव्यूज हैं तो मैं प्रोसेस नहीं कर सकता आ, अपने लैपटॉप के ऊपर या मैं उस पर सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं कर सकता ये तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना आप लोग सर अपने सिस्टम पे कैसे कर सकते हैं द क्लाउड सर्विस तो कोई ना कोई यूज करनी पड़ेगी ना चाहे गूगल को लैप क्लाउड सर्विस अगर आप देखें आपने अभी तक सेज मेकर से पहले जितनी भी मशीन लर्निंग की है वो आपने लैपटॉप पे की है ना वो कैसे किए फिर आपने सर वो तो एनाकोंडा जो है जुपिटर भी नोटबुक उस पर भी उस पर किया ठीक है फिर फिर क्या किया आपने सर ये गूगल को है उस पर

Amazon reviews का डेटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है पब्लिकली अवेलेबल है वो आप रिव्यूज जो है वो डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर के ऊपर ये सारी कमांड ये वाली कमांड तो चल सकती है ना आपके कंप्यूटर पर अगर आपका डेटा डाउनलोड हो चुका हो तो उसमें हो सकता है कि इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ होगी वो जिप फाइल होगी ये टार डी है आप जिप फाइल है आप ये वाली कमांड भी चला सकते हैं अपने कंप्यूटर पर ये वाली भी चला सकते हैं ये वाली भी चला सकते हैं और ये वाली भी चला सकते हैं ये सारी कमांड तो पेंडाज की है ठीक है अब इसके अंदर आपको ये करना होगा कि आपको एक लेबल के लिए अलग बनाना होगा और बॉडी के लिए अलग बनाना होगा फ्रेंकर्स शोले की अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी या अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे वो कोई ना कोई हेल्प दे देगा यहां पर जो है वो आप एन एल के लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल की हुई है पिप के जरिए इंस्टॉल की हुई है तो आप भी कर सकते हैं इम्पोर्ट भी कर सकते हैं ये वाला काम भी कर सकते हैं इसके अंदर जो है वो 90 परसेंट बल्कि 100 परसेंट काम कर सकते हैं फर्क ये होगा कि आपको कुछ जगहों के ऊपर आप जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है ये इमेज प्रोसेसिंग ये जहां पर मशीन लर्निंग हो रही होगी वहां पर आपके कोड चेंज हो जाएंगे यानी कि आपका जो डेटा है वो तो आ, थोड़ा सा डिफरेंटली प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है वो कोड जो है चेंज हो जाएंगे टेंसर फ्लो के कोड थोड़े डिफरेंट है लेकिन आपको ये करना है ना अगर आप ये कर लेते हो तो इसका मतलब ये होगा कि कम अज कम आप ये अपने तो आप क्लेम कर सकते हो कि जी मैंने जो है वो मशीन लर्निंग जो है वो की uh, है टेक्स्ट uh, प्रोसेसिंग की तो इस चैप्टर के अंदर से आप गाइडलाइन ले लो डेटा ले लो और फिर आप uh, फ्रेंको शोले शोली की किताब उठा लो इंटरनेट पर चले जाओ और वहां पे जाके देख लो अगर मुझे मिसाल के तौर पे मैं तो इतना ले जी की कि, किताब की जगह मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ टेंसर क्या करना है हमें ये मैंने लिख दिया देखिए केबल के ऊपर आगे गया मैं देख रहा शायद टेंसर फ्लो पर भी गई हो अगर मैं इसमें से टेंसर रिव्यू एनालिसिस कर दू टेंसर फ्लो ने किसी और की चीज बेसिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये देखें, ये आ रहा है अब इसके अंदर ये डेटा कहां से लेकर आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा ये लार्ज मूवी रिव्यू से लेकर आ रहा है आप इसके अंदर डेटा चेंज कर दे ठीक है देखें ये दे, बता भी रहा है ये डे, डे, डेटा कहाँ से लेकर आ रहा है ये यहां से आप इस डेटा को चेंज कर दें सिर्फ आपको डेटा चेंज करना है बाकी सारा डेटा कोड तो इसमें पड़े में तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब मसले मसायल हल करना शुरू होंगे वरना आप कितनी भी क्लासे ले लें कितने भी कोर्सेज ले लें आपके मसले हल नहीं होंगे मैं इस ग्रुप के अंदर अक्सर मैं डिफरेंट ग्रुप के अंदर रिव्यू करता रहता हूं उसके अंदर एक ही मसला है कि सब लोग परेशान हैं कि यार हमारा जो आ, हमें ये ये वाला कोर्स कर लें वो वाला कोर्स कर लें लेकिन कोई भी जो है वो प्रैक्टिस करने को तैयार नहीं है मतलब मैंने आज तक कोई एक ऐसा मैसेज नहीं देखा जिसमें उसने कहा हो कि यार मैं जो हूं ये फला अलग्रथम जो है वो मशीन लर्निंग का चला रहा हूं लेकिन इसके अंदर जो है वो मुझे फला प्रॉब्लम आ रही है आप खुद भी अगर अगर आपके पास अभी व्हाट्सएप खुला हुआ है आप किसी भी ग्रुप में जाके देखें ग्रुप के अंदर फालतू बातें तो बहुत हो रही होगी लेकिन कभी किसी ने ये शेयर किया कि कितने लोग हैं शेयर करते हैं कि मैं फला अलगम चला रहा हूं मशीन लर्निंग का और आ, मुझे इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है देखे जरा किसी के पास है कुछ इस तरह का मेरे पास शायद अगर यहाँ पर ग्रुप हो ये यही ग्रुप है ना ये आप लोगों का है ना अब इस ग्रुप के अंदर चेक करते हैं अब देखो इसमें ये बात कर रहा है कि ये नॉन मुस्लिम के लिए है जो टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोते हैं ना ही पाकी की ख्याल आते हैं लेकिन हम मुसलमानों की ये मसला है पांच वक्त के वजू करते हैं हर टॉयलेट यूज करने के बाद अब ये इस तरह की चीज़ चल रही है अब आप ये देखें अब मैं कुछ सुनाता हूँ क्या है आप, आप लोग को सुने अब एक बंदा जो है ये कोर्स आपको ऑफर कर रहा है कि भाई ये आप कर लो डेटा साइंस विद पाइथन डेटा एनालिसिस विद एसक्यूएल ठीक है ये एक बंदा हायर कर रहा है ये एक लिंक्डइन का स्क्रैपर जो है वो करा रहा है ये ये कर रहा है अब आप इसमें देखें इसके अंदर आप ये देखेंगे कि कितना है, कभी एक बंदा लैपटॉप बेच रहा है अच्छा और क्या कर रहा है ये वर्कशॉप बता रहे हैं रोबोटिक्स ए के ऊपर वर्कशॉप महत भाई जो है वो वर्कशॉप करा रहे हैं ठीक है और ये कह रहा है कि असाइनमेंट राइटिंग सर्विसेज जो है वो आपको चाहिए तो ये करके दे देंगे अच्छा भाई और ये सिम्प्लीफाई जॉब कर रहा है ठीक है ये बुध से चला गया पीछे और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर और मेरे पास पचास ग्रुप है मैंने आर्काइव में डाले हुए उसमें मैं ऐड होता रहता लेकिन ये देखें आ, आज नई दुआ दुवा से दुआएं चल रही हैं ठीक है ये एक रिकॉर्डिंग है आप देखें इसके अंदर कोई मुझे बताए भाई ये मेरे साथ ये मसला चल रहा है कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कहीं पर आप लोग भी ये अगर आप इस ग्रुप में हैं अगर नहीं है तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ लेकिन आप देखें इस ग्रुप के अंदर क्या कहीं आपने कभी देखा है कि यार एक बंदा है वो एक क्लासीफिकेशन कर रहा है और वो बता रहा है कि यार क्लासीफिकेशन में मेरे मसला आ रहा है है कोई इसमें कोई आपको कभी नजर आया हो सकता है मैंने ओवरलुक किया अब ये देखो ये बोल रहा है भाई डेटा साइड साइंटिस्ट बन जाओ पचास दिन के अंदर पांच दिन के अंदर पाथन पढ़ लो आर पढ़ लो स्टेटिक्स पढ़ लो कैलकुलस पढ़ लो ये सब कुछ कर लो तो इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर आपको बताया जा रहा है भाई ये कोर्स कर लो ये कोर्स कर लो लेकिन असल जो की है जो आप लोग मिस कर रहे हो अब ये देखा रहे हो ये बता रहे हैं कि भाई यूट्यूब के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग कैसे होगी लेकिन कोई भी मुझे काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर देना सही है अब मैं ये करता हूं कि एक ग्रुप जो है वो बनाता हूं जिसके अंदर जो है वो ए की प्रैक्टिस करते हैं हम सिर्फ ठीक है क्या ख्याल है और उसके अंदर मैं आपको एक काम दे दूंगा कि मसला आप लोगों को अगर इसमें <coughs> मुझे जहां तक याद आ रहा है आ... सर आपकी सजेशन चाहिए थी मुझे एक मसले में ले लें आप सजेशन ले लें uh, सर अगर हमने एक ऐ, ऐसा आईडी बनाना हो ऑनलाइन जिसमें हम जिसमें हम, जिस हम कोड एडिटर हो औ, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस uh, को सपोर्ट करता हो उसको हमने इंटीग्रेट कराना है अपने वेब इंटरफेस पे तो कैसे करा सकते हैं मुझे तो बात समझ में नहीं है 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 दोबारा सर हमने अपने जो editor, जो 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 वेब वेब इंटरफेस ना ना एक एक एप्लीकेशन उसमें कोड एडिटर वो इंटीग्रेट कराना डेवलपमेंट के के फ्रेमवर्क्स होते हैं सारे सारे जैसे वो तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोड एडिटर होते है ना इसमें स्टेक के अलावा आप मुझे लैंग्वेज बताएं रिएक्ट अह रिएक्ट रिएक्ट तो सर फ्रंट एंड के लिए यूज होती है ना हम अगर फुल स्टैक की बात करें कि फुल स्टैक की सारी लाइब्रेरीज हो और लैंग्वेजेस जो भी यूज होती हाँ, है तो आप उस पे जाके देखेंगे ना आप कोई भी ले, ले लें पाइथन ऑनलाइन नहीं अब हम ये इस तरह के अलग-अलग तो सब मिल जाते हैं एक ऐसा हो जिसमें ये सारी के सारी अवेलेबल हो नॉर्मली जितने भी मिलते हैं वो फ्रंट एंड के लिए मिलते हैं और वो ऐसा हो जो हमारे वेब इंटरफेस में ना इंटीग्रेट हो सके वेब इंटरफेस में इंटीग्रेट हो सके मतलब वो हम लोग उसको ऑनलाइन डेवलपमेंट मोड में लेके जा सके अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं एक है दिल... क्योंकि देखिए सर फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह का हम ऑनलाइन वेब इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं जिसमें बिल्कुल मतलब आप सही के... कह रहे हैं इसका इसके ना दो चीजें हैं एक ये है कि इमेडेबल ऑनलाइन कोड एडिटर अवेलेबल है जिसको आप बना सकते हैं ना अब उसमें ये होता है कि सर वाला का मौजूद है उसके हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये है ना बिल्ड एन ऑनलाइन कोड कंपाइलर यूजिंग मर्न स्टैक इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी इसमें होता यह है कि आप क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन कोड एडिटर क्योंकि आप अगर खुद सारा डेटा अपने पास अपनी वेबसाइट पर रख लेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी yes. उसमें हर लैंग्वेज का कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो आप क्या हाँ. करते हैं कि दूसरी वेबसाइट का कोड इम्बेड कर लेते हैं यानी कि उसके अंदर एक हिस्से में वो वाली वेबसाइट चल रही होती है आपके कोड के अंदर एक आप फ्रेम बनाकर उस वेबसाइट के ऊपर उसको कॉल कर लेते हैं जैसे अभी भाई ने बताया कि आप जो डब्ल्यू थ्री डब्लू थ्री सी का, न, का थ्री न, है ना डब्ल्यू थ्री सी का आप इम्बेट कर लेते हैं एक वेबसाइट के कॉर्नर के, के अंदर तो एक्चुअली वो साइड में वो चला रहा होता है और आपकी वेबसाइट जो है वो उसको इम्बेट कर लेते हैं जैसे अगर आप देखें बहुत सारा जैसे क्या नाम है उसका फ्री कोड कैम सर अब हाँ, तो, तो इसके अंदर एक... अच्छा तो आप अगर अब इसके अंदर हाँ तो इस तरह इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जगहों पे लोग YouTube की वीडियो के लिए आ, आपने देखा होगा ना YouTube की वीडियो WhatsApp के अंदर YouTube की वीडियो कैसे चलती है कि WhatsApp वालों ने उसका कोड की विंडो जो है वो आपके पास इम्बेड की हुई है ठीक है आ, आपको कौन सा कोड एडिटर बोल रहे थे सर वो VS कोड कह रहे हैं उसको कैसे इंटीग्रेट करा सकते हैं अपने वेब इंटरफेस में हम डायरेक्टली हाँ तो ये नहीं वी कोड अगर हो जाएगा इसके अंदर जो है वी कोड फॉर वेब जो है ये आपके पास अवेलेबल है ठीक है आप इसके अंदर जो है इसको पूरे के पूरे को आप इम्बेड कर सकते हैं इस वाली जगह पर ठीक ये जो ये जो वेबसाइट है इसके लिए आपको थोड़ी सी ये देखिए ऑनलाइन चल रहा है ना ये अब आपको सिर्फ ये करना है

हम्म सही है है सर बस इतनी सी बात है। और सर फिर जैसे अब वो कोड तो उसने लिख लिया अब वो जब सबमिट कराएगा तो सबमिट करा के हम कहते हैं हमारे डेटाबेस में आ जाए उसमें उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है कि कि हम उसको कोई फाइल कहें वो जिप फाइल करके डाउनलोड करे क्योंकि हमारा डीबी हम तो अभी डीबी जो यूज कर रहे हैं वो फ्री टायर यूज कर रहे हैं ना तो वो तो इतनी हैवी अगर फाइल्स वहां पे स्टोर होना शुरू हो जाएगी तो फ्री टायर से तो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि जैसे उसने कोड टाइप कर लिया और कोड टाइप करने के बाद कोड टाइप करने के बाद क्या किया उसने सबमिट कराएगा ना फिर नहीं कोड कोड टाइप करने के बाद आपका बटन होगा ना सबमिट का एक जो तो जो तो वो आप सबमिट का बटन होगा वो उस वो, वो जो आ, एक एक सबमिट का बटन तो उसके अंदर आ रहा होगा ना और एक और बटन जो है वो आई फ्रेम से आपने बाहर रखना है सेव से जब वो सेव करे तो आप उस आई फ्रेम के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपने डेटाबेस में लिया होगा ठीक है लेकिन वो सर किस फॉर्म आपको में जाए। दो जाएगा बटन सर पड़ेंगे एक तो वो वो जो सबमिट कर रहा है जैसे कि मैं अब आर आर की वेबसाइट पे जाता हूँ वैसे अगर आप कोशिश कर सके तो वो ज्यादा अच्छा था विजुअल स्टूडियो कोड वाला जी सर वो भी हम दोनों ट्राई करके देख लेंगे कौन सा सही आ रहा है काम हाँ अब जैसे इसके अंदर आप इसके अंदर एक जगह तो वो रन वगैरह यहाँ से कर रहा होगा ना अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा इसको हम कहते हैं स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग में यह है कि आपके बाहर जो है ये एक कोड होगा अब इसमें भी देखें जबकि ये फुल फ्लेक्स आए थे लेकिन इन्होंने दो अलग अलग बनाए हुए उसकी वजह यह है कि एक एक ही जगह पर दोनों चीजें काफी अलग, अलग मुश्किल काम है तो इन्होंने वेब के लिए जो है वो यहाँ पे देखे इसके अंदर ज्यादातर जो है इसमें सारी वेब की लैंग्वेज है ना लेकिन इसके अंदर जो है वो नहीं है

ये वाला आइडिया ज्यादा बेहतर है और मेरे ख्याल से आपको यही करना चाहिए कि आप अलग-अलग दो सेक्शन बनाएं फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर आपको कंसोल चाहिए होगा आउटपुट के लिए लेकिन एचटीएमएल और बैक फ्रंट आ, फ्रंट एंड के ऊपर आपको आ, कोई विजुअल चीज चाहिए होगी जबकि बैक के लिए आपको कंसोल चाहिए होगा हम्म ठीक जो सबमिशन का वाला पार्ट है उसमें जो डीबी डी में स्टोर होगा डेटा वो फिर किस फॉर्म में होगा वो जो क्योंकि ये तो फाइल जो आपके ऊपर है ना डेटा वो तो डेटा तो कोड की फॉर्म में है ना आप उसको आ, किसी भी फॉर्म में सेव कर सकते हैं आप, आपको ये चीज तो आ गई है ना कि वर्ड को टोकन में कैसे तोड़ा जाता है टोकन में आप एक तरीके डायरेक्ट फॉर्म में सेव कर दें डेटा में एक फील्ड होती है वार चार वाली और अगर बहुत ज्यादा टैक्स है तो टैक्स के नाम की फील्ड होती है

और सबसे पहले तो पहला वाला स्टेप कर लेना उसके बाद फिर आप ये सोचे में, में मतलब इस, इस पूरे पूरे, लेकर तो अगर पूरी एक फ्रंट एंड एप आ, बन रही है, तो वो तो आ, के, के अंदर भी अगर मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर आपके ऐप के अंदर इस तरह के ये जो कोड है अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ऑनलाइन का वर्ड काउंट वर्ड काउंटर में डालू ये पूरी के पूरी कितने वर्ड होंगे ये नाइनटी फोर वर्ड बन रहे हैं ठीक है और अगर एक पे एक भी बाइट है तो सेवन एटी सिक्स बाइट बन रही हैं अगर मैं स्टोर करूं ऐसी जो है वो अगर पचास फाइलें हो, कितनी सौ फाइलें हो, तो कितने हो जाएंगे ये अगर जैसे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वे ये ये है है कि आप आप यूजर का का जो वो वो जब 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 कोड कोड वगैरह क्रिएट करे तो अपलोड की की लाइब्रेरी लाइब्रेरी और अपने पास रेफरेंस लेकिन एक बात कह रहा था अगर मेरे पास ऐसी हो

ठीक है ना लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर क्लास के अंदर शायद कोई <coughs> लोग जो है वो इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ठीक है अब आज हम क्लास को हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं अगली मरतबा जो है वो हम कंप्यूटर uh, विजन जो है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर विजन में हमारा स्टार्ट होगा ट्रेनिंग ऑन कॉम्प्लेक्स एंड स्कॉस डेटा सेट्स इट और नॉट इट तो मैं चैप्टर प्रीव्यू आपको करा देता हूँ ये दोबारा रिपीट करा दें दूसरा टॉपिक कौन सा है मैं बता रहा हूँ आपको तो हमारा जो टॉपिक है इस मरतबा चैप्टर सेवन जो है वो हमारा हम स्टार्ट करेंगे इसमें हमें दो चैप्टर्स और पढ़ने उसके बाद फिर आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं ये हम इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं तो हम अगली क्लास के अंदर चैप्टर uh, सेवन जो है वो स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग ऑन कॉम्प्लेक्स एंड स्कार्स डेटा सेट ठीक है तो ये हमारा जो है वो स्टार्ट होगा तो आज हम इसको क्लास क्योंकि क्यों हमारे आप वो, हमने वो कंप्लीट कर लिया है अपना स्टेज में कर तो अब हम अपनी क्लास को यहाँ पर आज के लिए कम से कम पास कर सकते ठीक है ओके सर थैंक यू सर अच्छा तो और कोई सव... कोई सवाल है यहाँ पर या तो बता दें वरना फिर हम क्लास को अटेंड करते हैं ठीक है जी ओके जी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ आप आ, मैंने आप लोगों को कहा था